Good morning, everyone. क्या खबर है? कैसे हैं आप सब? कितने लोग आ गए भाई? ओके, वेरी गुड. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. शुजिता, शुभांगी, प्री मेडिको, दिव्यांशी, ये सॉरी हो रही. सुबह सुबह क्यों चल रहा है? हाँ, इतनी मेहनत करवा रहे हो बच्चे से, ये सॉरी कौन बुलवा रहा है सुबह सुबह? ये बताइए, तैयार हैं आज जोर शोर से? हाँ मैम, को आज थोड़ा लेट हो गया, 2-4 मिनट. ठीक है मैम, यहीं बैठी थी मैम ने टाइम ध्यान ही नहीं दिया, 7 बज गए है ना. 2 मिनट पहले मैंने देखा था तो 7 नहीं बजा था, 10 मिनट था. फिर 1 मिनट बाद मैंने देखा तो 7:04 हो गया. ऐसे अचानक से बेटा हो जाता है कोई कोई टाइमिंग, तो कभी कभी कुछ गड़बड़ होती रहती है 3-4 मिनट. कोई बात नहीं है, तुम लोग तब तक लाइक ही कर देते. लाइक क्यों नहीं किए यार? हम देख रहे थे कि बच्चे लाइक तो करें, लेकिन किए ही नहीं. टुडे नो डिसलाइक, ऐसा नहीं हो सकता रौनक. ये सपना है, नो डिसलाइक वाला सीन नहीं है यहाँ पे, होगा 110%. चलिए, सो बात सबसे पहले शुरू करते हैं, कितने लाइक्स हो गए? 83% 83 बच्चा पट्टी वॉचिंग, और 200 हो जाने चाहिए जब तक हम इंट्रो खत्म करें. तो फटाफट से शेयर कर दो जहाँ भी शेयर कर सकते हो. ठीक है, ये देखो कॉम्बैट है. खैर ये कॉम्बैट सिर्फ 12th वालों के लिए है दिस टाइम. एंड ये आप देख सकते हो स्कॉलरशिप यार 1 करोड़ तक की है ना. अनअकैडमी कॉम्बैट कितने को है? 9 मई को. सो इसलिए इनरोल कर दो, आप लोग भी कर दो, स्टार्टिंग के 1-2 चैप्टर कर ही लोगे. ठीक है, और नहीं तो शेयर कर दो. कैसे इनरोल करना है? लिंक मिल जाएगी कहाँ पे? टेलीग्राम पे. टेलीग्राम की चैनल कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम की लिंक कहाँ मिलेगी? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. ठीक है, लेट्स क्रैक PCMB प्रारंभ बैच स्पेशल क्लासेस. हाँ, सो आपको यहाँ पे मिल जाएगी, और टेलीग्राम पे आप आना, देन आई विल शेयर यू. जस्ट जैसे ही सेशन एंड होगा तुरंत हम आपको लिंक भेज देंगे, बाकी बच्चों के पास ऑलरेडी होगा. लेकिन इनरोल करते हुए कोड जरूर लगाना निकिता लाइव. फ्री में एंट्री है, फ्री में टेस्ट है, दे देना यार. तुम लोग भी देख के देख लेना, ठीक है, थोड़ा पैटर्न समझ आ जाएगा, क्योंकि तुम्हारा भी कॉम्बैट आने वाला है कुछ दिन में. और आज हम लोग बड़ा ही अमेजिंग पार्ट करने वाले इस चैप्टर में, तो जो बच्चे सोए हैं उनको ज़रा उठा दो, जगा दो, उनको थोड़ा अच्छे से उनकी बैंड बजा दो, क्योंकि आज हम लोग करने वाले कौन सा पार्ट, ये पूरा आज हम फिनिश करेंगे. फुल चैप्टर विल फिनिश. टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, फाइलम, किंगडम है ना, फिर ये टेबल, फिर टैक्सोनॉमिक एज. तो थोड़ा पेशेंस चाहिए आज हमें क्लास में. और ये हार्बेरियम की ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, खैर इट विल टेक 1.5 आवर. 8:30 तक आपका ये पूरा पूरा ख़त्म हो जाएगा, खल्लास. 105 आर आज वॉचिंग, बस इतने ही. मज़ा नहीं आया, मेरी एनर्जी तो वैसे ही डाउन हो गई. तो उम्मीद करते हैं कि तुम लोग की बुक पिछले टॉपिक में कोई डाउट नहीं है. अगर किसी का कोई डाउट रह गया है कहीं से भी, किसी भी पोर्शन से, सो बच्चा यहाँ पे आज का डाउट वाला फीचर है, उसको जी भर के यूटिलाइज करो जितना कर सकते हो. ठीक है, क्योंकि फ्री है, टोटली फ्री है. सो स्टार्टिंग विद माई इंट्रोडक्शन दैट इट्स योर बायोलॉजी एजुकेटर निकिता शुक्ला. डियर, आई हैव क्लियर्ड दीज एंट्रेंस एग्जामिनेशंस. सो अब आप लोग हैं, आप लोग की बारी है, अच्छे से क्लियर करो, अच्छे से रैंक लाओ और लाइफ में कुछ करो. एंड आई हैव डन मास्टर्स फ्रॉम बॉटनी ऑनर्स. देख लो यही पूरा गायब हो जा रहा है. ये आज का डाउट फीचर है बच्चा, इसका टोटली यूटिलाइजेशन करते जाओ आप लोग. और ये 2 बैचेस चल रही हैं, जिसको क्लास 11 का पूरा सिलेबस पढ़ना है, नोट्स के साथ में पढ़ना है, बहुत सारे टेस्ट के साथ में पढ़ना है, ठीक है, प्रॉपर गाइडेंस, वो प्रारंभ बैच ज्वाइन कर लेना. जिसको PCB क्रैक करनी है वो ये बैच ज्वाइन कर लेना. और अनअकैडमी की खास बात है कि बैच के साथ आप कंपलसरी नहीं हो, और भी ऐसी बैचेस चल रही हैं, तो आपको उनमें से जो टीचर पसंद है आप उनका सब्जेक्ट उस बैच में से ज्वाइन कर सकते हो. अलग अलग बैचेस ज्वाइन करने के लिए कोई अलग अलग फ़ीस नहीं है, सबकी फ़ीस सेम है. ठीक है, फ़ीस कितनी है? अच्छा, प्लस वालों, आपका वीकेंड टेस्ट सीरीज़ आ चुका है. मैंने जितना पढ़ाया है
ठीक है, मैंने जितना पढ़ाया, सैटरडे संडे उसका टेस्ट होगा एक, तो उसकी तैयारी तुम लोग कर लो, और DPPs भी सॉल्व किया करो। DPPs तो खैर हम करा रहे हैं, इसकी दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम लोग का ये जो वीकेंड MCQ टेस्ट है 9 से 1 बजे, इसे आप लोग दिया करो, ठीक है। फीस कितनी है, फीस एकदम शॉर्ट में बात कर लेते हैं, बाकी बच्चे जिनको कोई भी डाउट है वो मुझसे टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, टेलीग्राम के लिंक नीचे दी है। फीस बेटा 12 महीने की फीस 13,500 है, लेकिन आप 11th में हैं तो आप 24 मंथ्स का लीजिए, क्योंकि अनअकैडमी पे क्लास 11 का सब्सक्रिप्शन लेने के साथ साथ 12th आपको फ्री मिल जाता है। सो लेस देन 7 अप्रॉक्स आपका 800-900 रुपीज़ पड़ता है, और इसमें सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, सारे सब्जेक्ट की नोट्स दी जाती है, और हर सब्जेक्ट का आप जितने मर्जी उतने टीचर से पढ़ो, बहुत ऑप्शन है, ओके। एंड वी हैव आइकॉनिक एज वेल, कि अगर आपको नहीं समझ आता कौन सी क्लासेस लें, कितनी क्लासेस लें, कैसे पढ़ें, क्वेश्चंस क्या आएंगे, सो वी विल प्रोवाइड यू पर्सनल मेंटर आइकॉनिक में, वो आपसे बात करेंगे वीडियो कॉल पे, हर चीज़ में गाइड करेंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट इट, एंड कृपया करके ध्यान रखें कि 10% ऑफ लेने के लिए जब भी सब्सक्रिप्शन लें निकिता लाइव कोड अप्लाई करें, ठीक है, ऑल इन कैप्स नो स्पेस, ठीक है। और अभी अभी चैप्टर 2 स्टार्ट हुआ है, तो ज़्यादा डिले नहीं करो और आ जाओ, 5:15 पे क्लास होती है बायोलॉजी की। और अब बारी आ चुकी है किस चीज़ की, हमारे NCERT की। अच्छा एक बात बताओ, NCERT लेके आए हो ना सब कोई, हाँ आज भी क्लास के एंड पे क्विज होगा। डिसलाइक बेटा डेली होता है, हाँ वो डेली होता है। चलिए जिसके पास नहीं है अपनी ई बुक खोल ले, और जिसके पास बेटा एकदम बुक भी नहीं है, वो कुछ नहीं तो कॉपी पेन लेके बैठ जाएं, लेकिन जैसा कि हम बोलते हैं ये बेस्ट सीरीज है, ठीक है। आज तो मुझे समझ नहीं आ रहा आज इतने कम बच्चे क्यों ऑनलाइन है, 117 बच्चे ओनली ना, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर वॉचिंग राइट नाउ, चलो कोई बात नहीं है, होता है बेटा, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। और कल जो आज पढ़ाएंगे उसका पास, कल उसका टेस्ट है, जो पोर्शन आज कराएंगे कल उसका टेस्ट है, कितने बजे, 9:15 पे अनअकैडमी स्पेशल क्लास पे, विच इज टोटली फ्री। टेस्ट की लिंक कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम चैनल अगेन ज्वाइन लिंक फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ठीक है। ये बताओ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर रिकैप कराने की ज़रूरत है या फिर आगे मूव कर जाएं, देयर इज एनी नीड और शुड आई जस्ट स्टार्ट फ्रॉम क्लासिफिकेशन। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के रूल्स वगैरह सब अच्छे से आ गए ना, क्योंकि लास्ट पोर्शन था, तो आई एम जस्ट आस्किंग। रिकैप मूव आगे, रिकैप मूव आगे, वाह क्या क्या इन लोगों ने जो है, वाह अब इतना तेज आगे बढ़ा, स्टार्ट फ्रॉम नॉमेनक्लेचर। चलो ठीक है, एक बार इसको रिकैप करा देते हैं क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन है, या लेट्स डू दिस। सिर्फ 2-3 पोर्शन कराते हैं। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर वॉज गिवन बाई कैरोलस लिनियस, ठीक है, ये बात सबको क्लियर है कि उन्होंने बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया था। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर का क्या मतलब है, कि जो नाम होगा उसमें दो वर्ड्स होंगे, उसके दो कंपोनेंट होंगे, ठीक है, जैसे निकिता शुक्ला, कृतिका राउत, नंदनी राज, है ना, तो ऐसे ही फॉर एग्जांपल मैंगो का नेम होगा तो दो होगा, मैंगो को होगा मैग्नीफेरा इंडिका, इंडिका। सबसे पहला रूल होगा कि जो फर्स्ट कंपोनेंट होगा वो जेनेरिक नेम या फिर जीनस या जेनेरिक नेम रिप्रेजेंट करेगा, जो सेकेंड अल्फाबेट होगा, सेकेंड जो कंपोनेंट होगा वो रिप्रेजेंट करेगा आपका स्पीसीज, और उसे बोलेंगे स्पेसिफिक एपिथेट, ये है स्पीसीज, स्पेसिफिक एपिथेट, बट लिखा जाएगा तो हम ये नहीं बोलेंगे स्पीसीज लिखा है, बेसिकली दिस इज स्पेसिफिक एपिथेट, ठीक है। दूसरी बात, दूसरा रूल क्या है, ये हो गया पहला रूल। दूसरा रूल है कि ये जो जीनस साहब हैं, है ना,
जो फर्स्ट अल्फाबेट होगा इनका हमेशा कैप्स होगा, मतलब ऐसे आप जी नहीं ले सकते हो, गलत माना जाएगा। जेनेरिक नेम का फर्स्ट अल्फाबेट हमेशा जी कैपिटल होगा, कोई भी होगा वो कैपिटल लेटर होगा। स्पेसिफिक एपिथेट में ऑलवेज स्मॉल होगा, ठीक है। याद रखना बहुत सिंपल है, जैसे बड़े जो होते हैं उनको हम लोग जी हाँ जी जी पापा जी ऐसे करते हैं ना, वैसे जीनस है। तो दुनिया जहाँ का कोई भी जेनेरिक नेम होगा उसका जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट होगा कभी भी स्मॉल नहीं होगा, कभी भी आप ऐसे नहीं ले सकते। स्पेसिफिक एपिथेट इज स्टार्टिंग फ्रॉम एस, याद रखना एस फॉर स्पेसिफिक एपिथेट, एस फॉर स्मॉल। छोटा भाई है, कुछ भी दे दो चलेगा, लेकिन कुछ भी देने से नहीं चलेगा, इसको हमेशा छोटा। यू कांट राइट इंडिका लाइक दिस, ये गलत माना जाएगा। क्यों? क्योंकि आई कैपिटल है। पॉइंट नंबर टू क्लियर। सेकेंड थर्ड कि जब इसको बेटा हम ऐसे हैंड रिटन लिखेंगे जैसे मैंने हाथ से लिखा, सो हमेशा अंडरलाइन करना है, अंडरलाइन इज मस्ट दोनों ही वर्ड पे, जीनस पे भी स्पेसिफिक एपिथेट पे भी अंडरलाइन करना ज़रूरी है। लेकिन अगर हम कंप्यूटर में टाइप कर रहे हैं या प्रिंटेड फॉर्म में निकाल रहे हैं तो वो इटैलिक्स में लिखा जाएगा। कैसे लिखा जाएगा? इटैलिक्स, रिटन इन इटैलिक्स व्हेन इट इज प्रिंटेड, एवरीथिंग इज रिटन हियर, बस इसी का हम एक्सट्रैक्ट आपको बता रहे हैं। लेकिन इन वर्ड का ओरिजिनेशन कहाँ से होगा, इन वर्ड का ओरिजिनेशन कहाँ से होगा? वो होगा लैटिन से। कोई भी साइंटिफिक नेम होगा उसका जो ओरिजिन होगा वो लैटिन होगा। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि हर एक नेम समवेयर इट रिप्रेजेंट सम मीनिंग, ओके। तो लैटिन एक डेड लैंग्वेज है, इसमें ना तो कोई वर्ड ऐड होता है, इसमें ना तो कोई वर्ड जो है चेंज होता है। बाकी वर्ड की फॉर एग्जांपल हमारी इंग्लिश है, इंग्लिश में आज के 100 साल बाद हो सकता है कोई आए और बोल दे कि गुड का मतलब बहुत बुरा इंसान होता है, गुड का मतलब एकदम नालायक निकम्मा। इट कैन बी कि वहाँ पे कुछ नया वर्ड आ जाए जिसकी भी सेम मीनिंग हो, कन्फ्यूज़न हो जाए, लेकिन लैटिन में ऐसा कुछ नहीं है। तो इस वजह से हम लोग यहाँ से लेते हैं कि एटलीस्ट जो साइंटिस्ट है जिसका जो थॉट प्रोसेस है कि हाँ ये नेम देते हुए वो सेंचुरीज सेंचुरी तक जो है अमर रहे, है ना। उसने मैग्नीफेरा दिया है शायद कि इट रिप्रेजेंट्स येलो कलर ऑफ फ्रूट, लेकिन बाद में इसकी लैंग्वेज चेंज ना हो जाए, ओके। सो दैट इज़ वाई इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन। ये हो गई। सेकेंड आपका बोला गया है कि जैसे जिस साइंटिस्ट ने इसका नेम रिसर्च किया है, प्लांट रिसर्च किया है, जो ऑथर है जो इसका नेम प्रिंट कर रहा है बेसिकली, उसका नेम इसके एंड में लिखा जाएगा, जैसे लिनियस लिन, लेकिन फुल नेम नहीं लिखा जाएगा। हर साइंटिस्ट का अपना एब्रिवेशन होता है, आगे चल के पढ़ोगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, ये देखो मैग्नीफेरा इंडिका लिन लिखा हुआ है, LINN, और ये ना तो टेढ़ा मेढ़ा लिखा नहीं जाएगा, ये एकदम सीधा सीधा लिखा जाएगा, है ना, एकदम प्रॉपर जैसे बाकी वर्ड्स लिखे जाते हैं। सो अगर आप कंप्यूटर में कभी टाइप करते हो तो वहाँ पे देखते हो फॉन्ट्स को चेंज करने का ऑप्शन आता है, एक आता है रोमन, इटैलिक्स, अंडरलाइन, बोल्ड, ऐसे आता है। रोमन मतलब ये सारे जैसे लिखे हैं नॉर्मल, ये रोमन में लिखे हैं, तो लीनियस लिन होगा, ओके। तो बस इतनी सी कहानी है जो आपको याद रखनी है, इसमें से कुछ भी आपको भूलना नहीं है। यही था हमारे इसकी बात, ठीक है। नो, ओनली जीनस एंड स्पीसीज नेम अंडरलाइन करना है, बाकी अंडरलाइन नहीं करना है, ठीक है। और ये मत सोचना, एक गलती बच्चे करते हैं वो ऐसे टेढ़ा मेढ़ा लिख देते हैं, उनको लगता है कि अरे मैं तो इटैलिक्स में लिखा हूँ, नहीं, चाहे जितना टेढ़ा मेढ़ा लिख दो बट यू हैव टू अंडरलाइन व्हेन इट इज़ हैंड रिटन। तुम खुद को इटैलिक्स मत समझना कि यार मैंने तो इटैलिक्स बना दिया है, समझे जमीला कि नहीं समझे? आज इतने ही बच्चे आने वाले हैं क्लास में, यही हो गई आइडेंटिटी तुम लोग की। चलिए अब देखो समस्या क्या आई, हमने नाम वाम रख दिया, सब कुछ रख दिया, चलो नाम कैसे रखा जाता है हमको पता है। लेकिन अब आती है बात कि कितने स्पीसीज हमने बताए थे टोटल, अभी तक डिस्कवर हो चुके हैं 1.7 to 1.8 मिलियन। अब आती है इन सारी स्पीसीज के बारे में, बेटा पढ़ना बहुत इम्पॉसिबल टास्क है,
सो इसके लिए क्या किया गया, इसके लिए क्लासिफिकेशन किया गया कि कुछ कुछ को उठा के कुछ कुछ ग्रुप में डाल दिया जाए तो उनके बारे में पढ़ना आसान हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल हमें बस इतना भी समझो. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर. अब देखो यहाँ पे कुछ कुछ कहानी बताई गई है, थोड़ा लंदी लंदी पोर्शन है. अगेन आई एम टेलिंग, जो पोर्शन हम रेड से मार्क करें वो इंपॉर्टेंट है, जो ब्लू से मार्क करें वो सिर्फ हम रीड करने के लिए कर रहे हैं, वो आप स्किप कर सकते हो. बट जो पोर्शन हम रेड से मार्क कर दें, अंडरलाइन कर दें या फिर बॉक्स बना दें किसी भी पेन से, आपको उसको नहीं भूलना है. ठीक है, सो क्या आप तैयार हैं इनकी लंबी लंबी कहानी सुनने के लिए? है तैयार? नहीं है तैयार? ठीक है. और कल ये शेयर कर देना. कल 12th में कितने बच्चे थे यार? मुझे समझ नहीं आ रहा है बच्चे बढ़ने चाहिए घट कैसे गए. अभी फिर ये लोग क्लास में रोएंगे, मैम कब हुआ एनसीईआरटी सीरीज, कौन सी एनसीईआरटी सीरीज है ना, टेस्ट कब हुआ, कहाँ जोन आउट रहते हैं बच्चे आजकल के पता ही नहीं है. उनके लिए सेशंस रखो, मूड खराब हो गया सुबह सुबह. कल संडे है, क्या नई बात बताइए. सिंसियरली, वाह क्या बात है, सिंसियरली वाह. सिंस इट इज नियरली इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को बेटा पढ़ना बहुत ही इम्पॉसिबल टास्क है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम कोई ढंग का तरीका बनाएं. ठीक है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन क्यों किया जाता है? क्लासिफिकेशन किया जाता है फॉर द ईज ऑफ स्टडी. फॉर द ईज ऑफ स्टडी मतलब हमारे लिए स्पीसीज की स्टडी करना आसान हो जाए. ओके, क्लासिफिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें कि कोई कुछ कुछ ग्रुप बनाए जाते हैं अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, जिन्हें हम कैटेगरीज बोलते हैं. ठीक है, और उसका बेसिस कुछ बहुत ही इजीली, मतलब कि जैसे देख के हम ऑब्जर्व करके कोई कैरेक्टर्स ले लें, उसी बेसिस पे हम कुछ अपनी इमेजिनरी ग्रुप्स बनाते हैं, कैटेगरीज बनाते हैं. फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम प्लांट या एनिमल को बोलें, या डॉग या कैट को बोलें, या इंसेक्ट को बोलें, आप आराम से रिकॉग्नाइज कर लोगे, है ना. जैसे ही किसी ने आपके सामने द वेरी मोमेंट अगर कोई एक बार स्टार्ट किया आपसे, जैसे डॉग की इमेज फॉर एग्जाम्पल, मैंने बोला कि दो पैर हैं, उसकी एक पूंछ है, थोड़ा बड़ा सा है और जो है भौंभौं करता है, फटाक से आपके माइंड में क्या आएगा, तुम्हारे माइंड में क्या आएगा, डॉग आएगा. क्लास में बैठे हर बच्चे के माइंड में क्या आएगा, डॉग की इमेज आ जाएगी, है ना. सो उसी तरीके से कि हर, अब देखो, लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने डॉग डिस्क्राइब किया तो आपके दिमाग में डॉग आएगा, कैट नहीं आएगा, है ना. लेकिन अगर हमने आपके दिमाग में बात की कि यार अल्सेशियन डॉग, डॉग में भी अगर हम आपको कुछ स्पेसिफिक करेक्टर्स बताने लगे जो अल्सेशियन डॉग की तरह रिजेंबल होते हैं, वो आपके अल्सेशियन, आपके दिमाग में तुरंत उसकी इमेज बन जाएगी. बहुत सिंपल सी बात बताई गई. फॉर एग्जाम्पल अभी हम क्लास में बोलने लगे कि अपनी क्लास में सबसे बड़ा भुक्खड़ कौन है, है ना, कमेंट सेक्शन में अपने आप आंसर आ जाएगा. अगर ऐसे कुछ भी बोलने की, कौन सी ऐसी बटालियन है जो सबसे ज़्यादा तंग करके रखी है. सो ये सारी क्या है, हम थोड़ा सा आपको हिंट देंगे, उनके थोड़े से करेक्टर्स आपके सामने डिस्क्राइब किया, आपके दिमाग में तुरंत आंसर आ जाएगा. वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है कि हमने ग्रुपिंग इतनी प्रॉपरली कर दी है कि हम अगर कोई भी करेक्टर डिस्क्राइब करते हैं, इजिली ऑब्जर्वेबल करेक्टर्स जो कि नॉर्मली कोई भी इंसान देखता है, सो हर बच्चे के इंसान में माइंड में वो नाम आ जाता है. ठीक है, स्क्रीन बड़ा करें, दिख नहीं रहा है अभी. ठीक है, अभी ठीक है बच्चा, ये और थोड़ा, आई थिंक दैट्स इनफ नाउ, या फिर लो ये भी कर लो. नेक्स्ट, सो अगर देखो जैसे ही हमने कुछ एक दो एक और एग्जांपल यहाँ पे ले लिया है कि चलो हम एग्जांपल ले लेते हैं मैमल का, है ना, तो ऑफ कोर्स आप एनिमल किंगडम में आ जाओगे, प्लांट किंगडम में नहीं आओगे. हमने डिस्क्राइब करना शुरू किया कि एक्सटर्नल ईयर्स हैं, बॉडी हेयर्स हैं, बॉडी हेयर्स, एक्सटर्नल ईयर्स, ये सब किसके फीचर्स हैं, मैमेलिया के फीचर हैं. ठीक है, अगर हमने एक आपको डिस्क्राइब करने लगे वीट के बारे में, है ना, और तो आपके दिमाग में तुरंत गेहूं का पेड़ आ जाएगा, राइस का नहीं आएगा, अगर डिस्क्रिप्शन राइट है तो. अगर डिस्क्रिप्शन रॉन्ग है तो ऐसा कुछ नहीं होगा. हेंस ऑल दीज डॉग्स, कैट्स, मैमल, वीट, राइस, प्लांट्स, एनिमल, ETC आर कन्वीनियंट कैटेगरी वी यूज टू स्टडी ऑर्गेनिज्म. अब देखो
कैटेगरी को ही अच्छा, इस सेशन को थोड़ा एंड तक रुकना, ठीक है, बीच में छोड़ के नहीं जाना, क्योंकि नहीं तो समझ नहीं पाओगे। इसी कैटेगरी को ही हमने क्या बोल दिया है, साइंटिफिक टर्म दे दिया है, जिसका नेम क्या है, टैक्सा। व्हाट इज टैक्सा? टैक्सा कुछ नहीं बेटा, ग्रुप हो गया, कैटेगरी हो गया, है ना, रैंक हो गया, ये सारी चीजें एक ही हैं, ठीक है। या फिर इसी को हम क्या बोल देते हैं, हाँ लास्ट में, वेरी गुड, लास्ट में क्विज भी है, बहुत अच्छे बच्चा। अच्छा, जो बच्चे यहाँ पे नए हैं, क्या उनको पता है कि क्विज कैसे ज्वाइन करना है? बहुत सिंपल है, अभी जो है आपको एक बार हम दिखा देते हैं स्टार्टिंग में, जिससे तुम लोग बाद में इनफ टाइम रहे तुम्हारे पास। ये देखो, क्विज के लिए आपको सबसे पहले अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल करना है, यू हैव टू इंस्टॉल अनअकैडमी ऐप, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टेस्ट वाले सेक्शन पे जाना है, तुम लोग रोज एक गलती करते हो यार, ये टेस्ट वाले सेक्शन पे जाना है, फिर क्लॉक पे क्लिक कर देना है, ठीक है। इनवाइट कोड पूछेगा, निकिता लाइव बता देना, और क्विज का कोड यहाँ पे डालने के लिए कोड पूछेगा, वो क्लास के एंड में आपको बताएंगे, ठीक है। दैट आई विल टेल यू इन द एंड ऑफ द क्विज, ठीक है। बाकी अगर क्लॉक पे क्लिक करके आपका ना हो तो आप इस पे चले जाना, सी ऑल पे जाना, जो इंस्टेंटली ज्वाइन क्विज जा रहा है उस पे मत क्लिक करना, नहीं तो अकाउंट्स में पहुंचते हो, रोज कंप्लेन आती है। एंड देन क्लिक ऑन हियर, ठीक है, इट्स वेरी सिंपल। नाउ मूविंग हियर, और यही आपका क्या है बच्चा, क्या है, क्यों है, कैसा है, यही यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है, इट इज यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, इट इज यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। एक बार नॉर्मली हम आपको पढ़ा दे, देन विल टेक अ एग्जांपल, आपके दिमाग में एकदम बत्ती पूरी जल जाएगी, ठीक है, एकदम टेंशन नहीं लेने का है। बहुत प्यारी सी कहानी के साथ इसको हम आपको समझाने वाले हैं, इट्स वेरी इजी, यू नो, बस ये पोर्शन पूरे चैप्टर का सबसे इजीएस्ट पोर्शन है। इसमें बस दो चीज़ों का ध्यान रखना है, कि आपको अपना कॉमन सेंस यूज करना है, दूसरा अपने आप को ये नहीं सोचना है कि आपने हर चीज़ देखी है। बच्चे होते, अरे ऐसा है, मैंने तो किंगडम नहीं जानता, मैं तो फाइलम नहीं जानता, पॉलीमोनियल्स कौन सी होती है, सोलेनिसी कौन सी, यू हैव नॉट सीन ऑल द थिंग्स, ठीक है, यू हैव टू एक्सेप्ट इट कि हाँ ये भाई दुनिया में एग्जिस्ट करता है। बस दो सिंपल से सेंस हैं इसमें, और कुछ नहीं है। तो बहुत ज़्यादा अपना दिमाग मत चलाना, जो बोलेंगे शांति सुन लेना, नहीं इसे स्टिकी नोट में लिखने कोई जरूरत नहीं है, साइड में जगह है, लिख लो, अभी इस चैप्टर में बहुत स्टिकी नोट की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पे बात हो रहा है कि हैव यू मस्ट रिकॉग्नाइज दैट टैक्सा कैन इंडिकेट कैटेगरी एट वेरी डिफरेंट लेवल। देखो, जैसे कि जो कैटेगरी है, क्लासिफिकेशन की कैटेगरी है, वो बहुत अलग अलग लेवल पे है, ठीक है। मतलब वीट इज ऑल्सो अ टैक्सा, सिमिलरली एनिमल, मैमल्स, डॉग्स आर ऑल्सो ऑल टैक्सा, बट यू नो डॉग आता है आपका मैमल्स में, है ना। मैमल्स किसके अंदर है, एनिमल्स के अंदर है, और एनिमल्स मैमल्स ये दोनों आपके डिफरेंट लेवल पे टैक्सा हो गए। ये कौन सी बात की जा रही है बता रहे हैं आपको, परेशान मत हो, ठीक है। लेकिन उसके पहले बात कर लेते हैं कि बेस्ड ऑन कि वो कैसे दिखते हैं, उनको आइडेंटिफिकेशन है ना, कुछ प्रिंसिपल और प्रोसीजर्स के अकॉर्डिंग अलग अलग ऑर्गेनिज्म को अलग अलग टैक्सोनॉमिक ग्रुप में डालने को ही टैक्सोनॉमी बोलते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैंने एक ऑर्गेनिज्म बना दिया ऐसे, इसके इंसान जैसे फीचर है ना, तो इसके कैरेक्टर्स को पढ़ के, इसको आइडेंटिफाई करके, इसको किसी भी टैक्सा में भेजना है ना। जैसे स्पीसीज इसकी कौन सी होगी, सैपियंस, जीनस इसका कौन सा होगा, होमो, क्लास कौन सी होगी, मैमेलिया, क्योंकि इंसान है, उसी को टैक्सोनॉमी बोलते हैं। टैक्सोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ साइंस बेसिकली विच डील्स विद द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन, विच डील्स विद द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। लेकिन ऐसे हम रैंडम क्लासिफाई नहीं कर सकते, उसके लिए ज़रूरी है हम प्रॉपर प्रिंसिपल्स प्रोसीजर्स को फॉलो करें। अब एक दूसरा टर्म आपको आ जाएगा, सिस्टमैटिक्स। व्हाट इज सिस्टमैटिक्स? सिस्टमैटिक्स एक वर्ड आया है बेटा, एक लैटिन वर्ड है, सिस्टमा। लैटिन वर्ड क्या है? सिस्टमा। सिस्टमा का मतलब होता है अरेंजमेंट, प्रॉपर अरेंजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन। जैसे हम ऑर्गेनाइज करके कोई चीज़ रखते हैं ना, मम्मी लोग घर पे डांटती नहीं, और तुम लोग का एक सामान सिस्टमैटिक नहीं रहता, सारा चीज़ इधर उधर फेंके रहते हो, तो वही चीज़ यहाँ पे भी इसका मतलब है कि प्रॉपर अरेंजमेंट।
ठीक है। अब इसमें क्या है, सिस्टमैटिक इज बेसिकली ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जिसमें हम क्या करते हैं कि अरेंजमेंट तो करते हैं लेकिन हम इसमें क्या ध्यान देते हैं, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप ध्यान देते हैं, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जिसको हम फाइलोजेनेटिक्स बोलते हैं, फाइलोजेनेटिक्स, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, अभी तुम लोग यहाँ पे फाइलोजेनी करो, सिर्फ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप देखो, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, रिलेशनशिप, ठीक है। मतलब कि अगर हम टैक्सोनॉमी जैसे कर रहे हैं वैसे ही करें, लेकिन उसमें हम ये भी ध्यान दें कि हाँ ये चीज कहाँ से आया है, तो उसको हम बोल देंगे सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स एक बहुत ही ब्रॉड ग्रुप है, सिस्टमैटिक हम बोल सकते हैं कि टैक्सोनॉमी के अब्बा जी हैं। जैसे सृजिता है, सृजिता के सामने मैंने एक बच्चा पकड़ा दिया है ना, अब सृजिता ने उसके फीचर्स वीचर्स देखे ऐसे वैसे कि हाँ ऐसा है वैसा है ऐसा दिखता है, उठा के किसी भी ग्रुप में डाल दिया, ये हो गई टैक्सोनॉमी। लेकिन अब मैंने रंजन को भी सेम बेबी पकड़ा दिया, अब रंजन उसके सारे फीचर्स देखे, साथ में ये भी देखे अच्छा इसके चार लिम्स हैं, ओ इसके बाबा जी तो बंदर लगते हैं, मतलब ये कहीं ना कहीं ये मंकी से इवॉल्व है। सो अगर हम ये देखें कि कौन कहाँ से आया है, किस किस किंगडम के बीच में, किस फाइलम के बीच में, किस ऑर्गेनिज्म के बीच में इसका रिश्ता है ना, सो अगर हम वो सारी चीज़ें भी कंसीडर करें तब हम बोल देंगे कि वो सिस्टमैटिक्स है, दैट स्टडी सिस्टमैटिक्स वेर वी विल कंसीडर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप एज वेल, और जिसको हम फाइलोजेनेटिक्स बोलते हैं, जिसको हम फाइलोजेनेटिक्स बोलते हैं, ठीक है, ये पे लिख लो। और ये एक्यूरेट होता है, ये एक्यूरेट होता है, इसमें गलती नहीं होती है, ये बेस्ट मेथड होता है। अगर हम कभी भी देखें, जैसे कि एक सिंपल सी बात है, आपको हम एग्जांपल दे रहे हैं कि अभी क्लास में कुछ बच्चा है, अभी आप स्कूल में जाओगे, स्कूल में टीचर्स क्या होते हैं कि हाँ मतलब ये ऐसा ऐसा है, बच्चा ऐसा है, हमें दिखा कि चलो अंशी बड़ी शरीफ दिख रही है ऐसे, मतलब मस्त दो छोटी बांध के आई है, वाह कितनी पढ़ाकू बच्ची है, लेकिन चलो बाद में पता चला, अगर मान लो कोई प्रॉपर स्टडी करे कि अरे यार ये तो डॉन के घर से बिलोंग करती है, तब भाई तब हुआ इसका प्रॉपर एसोसिएशन, हमने इसका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी कि भाई इससे दूर रहो नहीं तो उड़ा देगी, तब उससे कोई पंगा नहीं लेगा। सो दैट इज सिस्टमैटिक्स व्हेन वी विल कंसीडर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप एज वेल। पक्का क्लियर, झक्कास क्लियर एकदम, हाँ हो जाना चाहिए। अच्छा रेड क्यों नहीं यूज़ कर रहे हो, रेड ये रेड अभी तक कोई चीज़ ज़रूरत ही नहीं पड़ी, जितना मैंने लिखवा दी बस वही है, बाकी इसमें कहानी है ना, किसको नहीं पता है कि हम कुत्ते का डिस्क्रिप्शन देंगे तो कुत्ता दिखेगा, मतलब हालांकि लेबल पे दिखाया गया तो क्या बताया जाए, इसमें से कोई क्वेश्चन आपका नहीं पूछा जाने वाला है, डोंट वरी। जो रेड अभी तक इस पैराग्राफ में, नथिंग इज इंपॉर्टेंट विच यू हैव टू कीप इन माइंड, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे बात किया गया है एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर, ओके नाउ कमिंग टू द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर अलोंग विद द स्ट्रक्चर ऑफ सेल डेवलपमेंट। अगर हमको ये जो कोई भी ऑर्गेनिज्म पकड़ाया गया उसका हम एक्सटर्नल फीचर भी देखें, इंटरनल स्ट्रक्चर भी देखें, उसका सेल का डेवलपमेंट भी कैसे देखें, उसका इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन भी देंगे, वो आती है मॉडर्न टैक्सोनॉमी। वो कौन सी आती है, मॉडर्न टैक्सोनॉमी। आपसे पूछा जाएगा व्हाट आर द बेसिक पैरामीटर्स ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी, यहीं पे मुझे स्टिकी नोट या फिर यहीं पे चाहिए ये पोर्शन, ठीक है आप लिख लेना, हम अभी टाइम नहीं है लिखने का क्योंकि आज समझाना बहुत ज़्यादा है, ठीक है। क्या क्या लिखोगे, एक्सटर्नल इंटरनल स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ सेल डेवलपमेंट, सेल का स्ट्रक्चर कैसे है, वो ऑर्गेनिज्म डेवलपमेंट कैसे हुआ है, उसका इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन क्या है, ठीक है, ये हो गई मॉडर्न टैक्सोनॉमी। लेकिन मॉडर्न टैक्सोनॉमी हमें इस चैप्टर में नहीं पढ़नी है, ठीक है। अब आता है हमारे पास अपना बेसिक टैक्सोनॉमी जो हमें करनी है, बेसिक टैक्सोनॉमी। बेसिक टैक्सोनॉमी के मेन पिलर्स कौन कौन से हैं, वही सिंक अपना, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर, ये दो डिफरेंस समझने की कोशिश करना, ठीक है। देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी, एक अपनी मॉडर्न टैक्सोनॉमी है जिसमें हम हर चीज़ देखेंगे कि हाँ ये सेल है, ये बच्चा हमारे हाथ में दिया गया, ठीक है। चलो फॉर एग्जांपल अपनी क्लास में अपनी ईशिका मॉडर्न बच्ची हो गई, इसके हाथ में एक बेबी ला के पकड़ा दिया गया,
अब इसने उसके एक्सटर्नल फीचर्स देखे, अच्छा हाथ नाक कान दिख रहा है, ये अब उसका मतलब मांस पेट और फाड़ के देखने लगी उसके इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, है ना, उसकी सेल का स्ट्रक्चर क्या है, उसकी सेल कैसे हुई है। उसके बाद इसने उस पर भाई मस्त लगा दिया, उसका पूरा प्रोसेस ट्रैक किया कि फर्स्ट मंथ में कैसा था, जब जस्ट फर्टिलाइज हुआ था तो इसका एग कैसे था, इसकी डेवलपमेंट कैसे हुई, ठीक है, उसका इकोलॉजिकल मतलब हाउ दैट बेबी इज इंट्रैक्टिंग विद इकोसिस्टम, ठीक है। तो वो हो गई मॉडर्न टैक्सोनॉमी, वो हो गई मॉडर्न टैक्सोनॉमी। बाकी हम लोग जो भाई सीधे साधे बच्चे हैं, हम लोग करेंगे अपनी बेसिक टैक्सोनॉमी, ठीक है, कि हाँ बस उसके करेक्टर्स देखे वेखे कि हाँ भाई मस्त तेलो लगा के आया है ना, तो अच्छे से काजल वाजल लगा के आया है, मम्मी का हमने करेक्टराइजेशन किया, उसके बाद आइडेंटिफाई कर दिया, अरे यार ये बड़ा आइडेंटिफिकेशन, उसको गुड वाले कैटेगरी में डाल दिया, क्लासिफिकेशन भाई ये शरीफ लड़का है, शरीफों वाली कैटेगरी में उसको डाल दिया, फिर उसका नाम हमने रख दिया शरीफ चंद, ठीक है। सो दैट इज आर बेसिक टैक्सोनॉमी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। टैक्सोनॉमी इज समथिंग, टैक्सोनॉमी कोई नई चीज़ नहीं है, है ना, बस हमने उसको साइंटिफिक अप्रोच दे दिया है। क्या बताया कि हम जो इंसान है हमेशा से बड़े इंटरेस्टेड थे अलग अलग चीज़ों में, अलग अलग तरह के चीज़ों में, ठीक है, लेकिन तब हमारा क्या था कि अपनी अपनी रेफरेंस थी, हमारी रेफरेंस किस चीज़ पे था, यूज़ का। याद रखो कि टैक्सोनॉमी तो हम पहले भी करते थे, करेक्टराइजेशन भी तो हम पहले भी करते थे, लेकिन बेसिस क्या था, यूज़ था। अर्ली डेज में, बहुत पुराने ज़माने में, ठीक है, जो आप लोग के बाबा के दादा के दादा के दादा दादा होते थे, वो क्या करते थे कि फॉर एग्ज़ाम्पल खाने, मतलब शेर उनको दिख गया तो लगेगा हाँ यार ये खाने का है, शेर की जो ऊपर की स्किन हो गई उसको क्लोदिंग सिस्टम में डाल देंगे, उसके बाद जो पत्ती वत्ती हो गई, जो बड़े बड़े पत्ते हो गए, उन सारे प्लांट्स को हम लोग डाल देते थे कि आपको शेल्टर देंगे, ठीक है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन रिटन है, और द अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन वर बेस्ड ऑन द यूसेज ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म। हमने तीन चीज़ें पढ़ी यहाँ पे, एक मॉडर्न टैक्सोनॉमी क्या होती है, एक हमारी बेसिक टैक्सोनॉमी क्या होती है, एक हमारा जब साइंस नहीं आया था तो आपका टैक्सोनॉमी किस पे बेस्ड थी, या फिर क्लासिफिकेशन किस पे बेस्ड थी, नॉट टैक्सोनॉमी, ठीक है, समझे बूझे छो। हाँ, और ये हम आई थिंक ये तुम लोग को हम बताते रहते हैं हमेशा, आई थिंक वी हैव डन इन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एज वेल। चलो एक एक चीज समझ लो कि तुम लोग को ये चैप्टर जितना अच्छे तरीके से क्लियर होगा अगर तुम इसकी रिकॉर्डिंग ही देख लो और इसको ध्यान से सुनते जाओ, मेरे साथ करते जाओ, उतने अच्छे से तुम्हें कोई कंपटीशन देने वाला आएगा नहीं, ठीक है, क्योंकि तुम लोग मानो ना मानो बट द डे वन आई हैव गिवन यू लाइक 60-80% पासिंग मार्क्स, दैट वॉज नॉट ईजी इन दिस चैप्टर एंड यू हैव क्रैक्ड इट। सो दैट्स रियली वेरी अमेजिंग, मतलब इतना जो तुम लोग का एक रिस्पॉन्स, तारीफ नहीं करना चाहती क्योंकि एक दिन हम तारीफ करते हैं दूसरे दिन तुम सब डुबाते हो 110%, ठीक है। सो लास्ट तुम लोगों ने बहुत अच्छा किया, टेस्ट में परफॉर्म नहीं किया था, बट हम उम्मीद करते हैं कि जो कल का टेस्ट है प्लीज़ उसे अच्छे से परफॉर्म करना। अमी बांग्ला बोलते पारी सप्तशी हैं किंतु भारो बोलते पारी ना ताई बोलबो ना। चलो ह्यूमन बींग वर्ल्ड सिंस लॉन्ग बैक ओनली इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर अबाउट डिफरेंट, अच्छा ये हमने किया, ओ यहाँ पे वही बात बोली गई है कि इंसान जो थे बहुत पहले से ही मतलब अलग अलग तरीके की डाइवर्सिटीज, कितनी विविधता है, कितने तरीके के ऑर्गेनिज्म में, इसमें इंटरेस्टेड थे और उनके बारे में देखो एनसीईआरटी कितने चुपके से बात बोल जाती है कि तुम समझ भी ना पाओ, देख रहे हो बेटा महबूबा है पूरी एकदम हरकतें वैसी हैं, बट ऑल्सो रिलेशनशिप अमंग देम। अब देखो इससे भाई किस नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे को पता चलेगा कि इवोल्यूशन रिलेशनशिप की बात कर रहा है, बट ये कर रहा है, ये बात कर रहा है कि अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिज्म पढ़ने में हमारा जितना इंटरेस्ट था उसी तरीके से उनके बीच में क्या रिश्ता है, कौन किससे इवॉल्व हुए, हम ये भी जानते थे। द ब्रांच ऑफ स्टडी वर रिफर्ड टू एज सिस्टमैटिक्स, द ब्रांच ऑफ इज रिफर्ड टू एज सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स की डेफिनेशन मैंने यहाँ पे दी है, बाकी नोट्स में आई थिंक आई हैव गिवन यू वन प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ सिस्टमैटिक्स एंड टैक्सोनॉमी, यहाँ से मतलब याद करो। अच्छा अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट क्या बताया गया है बोल दो मैम, पता है कि सिस्टमैटिक वर्ड्स कहाँ से है बच्चा, लैटिन के कौन से वर्ड से, सिस्टमा से, ठीक है। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए लीनियस साहब ने अपनी भी एक बुक का नेम दे दिया था सिस्टमा नेचर,
है ना, जिसमें एनिमल्स के बारे में उनके नाम वाम कैसे रखने हैं उसका पूरा डिस्क्रिप्शन था, ठीक है। लेकिन ये इनकी फर्स्ट बुक नहीं है, प्लीज़ डू नॉट कन्फ्यूज विद इट। इनकी फर्स्ट बुक होटस थी, जो बच्चे गलती करते हैं। द स्कोप ऑफ सिस्टमैटिक वॉज लेटर इनलार्ज टू इंक्लूड आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। वाह, यहाँ पे बोला गया सिस्टमैटिक स्कोप बाद में इनलार्ज कर दिया गया, किस किस व्यू में, उसमें क्या ऐड कर लिया गया, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ से आपको ये पॉइंट एक्सट्रैक्ट करना है, ज़रा दिमाग लगाओ। ऊपर वाली लाइन में भाई साहब ने बोल दिया है कि हम क्या देखेंगे, रिलेशनशिप देखेंगे उनके बारे में, मतलब इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की बात किया गया। नीचे में आके क्या बताया गया है कि बाद में हमने इसमें आइडेंटिफिकेशन भी ऐड कर दिया, नॉमेनक्लेचर भी ऐड कर दिया, क्लासिफिकेशन भी ऐड कर दिया। क्या यही हमारे टैक्सोनॉमी में था? बोल दो हाँ मैम, हमारे टैक्सोनॉमी में आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन, कैरेक्टराइजेशन भी था, बट मेनली ये तीन चीज़ था। सो क्या हम बोल सकते हैं इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप प्लस टैक्सोनॉमी इज इक्वल टू सिस्टमैटिक्स? ऑफ कोर्स यू कैन से। समझे? ये इसको एनसीईआरटी का समझने का तरीका आप अपने आप से नहीं समझ सकते हो, बहुत ज़्यादा प्यार होगा तभी इनकी भावनाओं को समझोगे बेटा, और फील नहीं लोगे तुम्हारा फील बर्बाद कर देंगे ये। देख रहे हो कितना घुमा घुमा के, मतलब ये वही है ना कि नहीं मैं बोलूंगी नहीं लेकिन तब भी तुमको समझना है ना, रिलेशनशिप वाला सीन है। देख रही हो अदिति क्या क्या हो रहा है? हाँ, फाइलोसिस्टमैटिक्स, वेरी गुड। तो समझो, नहीं तो ब्रेकअप हो जाएगा, और इनसे ब्रेकअप के बाद ये नहीं पछताएंगी, तुम ही पछताओगे 110%। इनको तो कोई और मिल जाएगा, तुम नहीं पढ़ोगे तो अगली बैच आएगी। इनके तो चाहने वाले बहुत हैं, एनटीए इनका दीवाना है, इनकी लाइन लाइन से वर्ड वर्ड से क्वेश्चन बनाता है। तो अगर तुम में से किसी का ये एटीट्यूड है, जाओ छोड़ दिया मैंने तुम्हें, है ना, ना नहीं होगा। चलो अब आ जाते हैं, बात करते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज़ की, ठीक है। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज़ की बात करते हैं। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज़ यहाँ पे कितना दिया हुआ है, क्लासिफिकेशन कोई सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है कि हाँ आपके सामने एक नया प्लांट लाया गया, आपने उठा के फटाक से उसको बोल दिया भाई डाइकॉट है। इट्स नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस, ओके। उसका आप ऐसे नॉर्मली नेम नहीं सकते हो, एक स्टेप वाइज आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। सो कि हाँ, इसका पहले कैरेक्टराइजेशन करो, फिर आइडेंटिफाई करो, फिर एक एक कैटेगरी में डालो। सो अगर हम सारी कैटेगरीज का जितनी कैटेगरी हैं अगर उनको हम एक प्रॉपर अरेंजमेंट कर दें, उन्हीं को हम बोलते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, और उन्हीं को हम बोलते हैं कि वो टैक्सोनॉमिक, अगर हम सारी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज का प्रॉपर अरेंजमेंट कर दें एक साथ रख के, तो उन्हीं को हम बोलते हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की, ठीक है। कितनी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं, जैसे कि हमारे पास टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज कौन कौन सी बच्चा, हमारे पास 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज हैं, स्पीसीज, जीनस, ठीक है, फैमिली, ऑर्डर, फटाफट से बोलो यार, तुम लोग को पता है, डिवीजन, स्लैश फाइलम एंड किंगडम, ठीक है। ये हमारे पास कितनी कैटेगरीज हैं, वी हैव 7 कैटेगरीज, या फिर हम बोल सकते हैं वी हैव 7 टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, या फिर हम बोल सकते हैं कि हमारे पास 7 टैक्सा है, हमारे पास 7 टैक्सा है। अब इन्हीं को हमने अरेंज कर दिया, ठीक है, नीचे से ऊपर तक या फिर ऊपर से नीचे तक, इसी को हम बोलते हैं कि ये टैक्सोनॉमिक हायरार्की है। अरेंजिंग देम इन एन ऑर्डर, ऐसे नहीं कि किंगडम ऊपर नीचे, ऑर्डर आगे पीछे, नहीं, ये फिक्स ऑर्डर है बेटा, ठीक है, इनकी एक हायरार्की है, तो इसी को हम बोलते हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की, इन्हीं को बोलते हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की, ठीक है। जैसे हमारे स्कूल में क्या है, हमारे स्कूल में बेटा सबसे लोएस्ट क्या स्टार्ट होता है, हमारे क्लास में बॉयज़ का ग्रुप, गर्ल्स का ग्रुप, रो होती है ना, एक गर्ल्स की रो होती है, बॉयज़ की रो होती है, फिर सेक्शन होता है, फिर क्लास होता है, फिर कई सारे क्लास हमारे क्या बनाते हैं, एक स्ट्रीम बनाते हैं, साइंस की हो गई, फिर साइंस एक स्कूल में बहुत सारे होते हैं, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, सारे मिलके एक स्कूल बनाते हैं, बहुत सारे स्कूल एक सिटी में भी रहते हैं, दैट इज समथिंग एल्स, ठीक है।
अच्छा यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। ओ हो यहाँ पे बच्चा ये यहाँ पे 7 नहीं है। क्या बात है, किसने नोटिस किया चीज? ठीक है, इसको याद करना बहुत आसान है। बोल दो मैम यहाँ पे डिवीजन और फाइलम क्यों लिखा गया है, यहाँ पे डिवीजन और फाइलम क्यों लिखा गया? देखो इसको याद करना बहुत आसान है, कीप बहुत ही नॉर्मल सा है, जो निमोनिक जो हर कोई याद करता है, लेकिन हम लोग थोड़ा सा चेंज करेंगे। कीप, ये ऑर्डर लिख तो दिया यार बीच में, कीप डीपी क्लीन और फैमिली गेट सिक। बोल दो मैम आपने ये क्या लिखा है? नहीं, क्रीप डीपी हमने क्यों दिया है, क्योंकि तुम लोग कन्फ्यूज जाते थे कि डिवीजन किसके साथ में था, इसका निमोनिक याद करते थे कीप पॉट क्लीन और फैमिली गेट सिक, लेकिन वहाँ पे आप कन्फ्यूज हो जाते थे, है ना। सो याद रखो कि आपको अपनी डिस्प्ले पिक्चर एकदम साफ सुथरी अच्छे से रखनी है। अगर आप मस्त हुक्का पीते हुए डीपी लगा दिए तो बेटा फैमिली सिक हो ना हो तुम्हें ज़रूर कर देगी, है ना। तो हमें प्रॉपर सब इंसान की तरह एक अच्छी डीपी लगानी होती है, डिस्प्ले पिक्चर, ठीक है। सो डी इज रिप्रेजेंटिंग डिवीजन एंड पी इज रिप्रेजेंटिंग फाइलम, और ये दोनों साथ में है, ये दोनों एक दूसरे के अनदर नेम है, ये दोनों एक दूसरे के अनदर नेम है। जो हमारा फाइलम होता है, कैन एनीवन टेल मी, डिवीजन जो होता है बेटा, डिवीजन जो होता है वो प्लांट्स के लिए बोलते हैं हम लोग, फाइलम एनिमल्स के लिए, ठीक है। हम लोग जो है ऐसा नहीं, ठीक, बस वही एक चीज है, प्लांट्स के लिए वी विल यूज डिवीजन टर्म और एनिमल्स के लिए वी विल यूज फाइलम टर्म, ठीक है। सो ये हमारी परफेक्ट निमोनिक्स है। अब आगे क्या बात की गई है, आगे बात की गई है कि जो है, देखो अगर ये बेटा बिखरे हुए पड़े थे, हम बोलेंगे ये एक टैक्सा, 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 इन्हीं को हमने अरेंज कर दिया, प्रॉपर टैक्सोनॉमिक हायरार्की हो गई। अब यहाँ पे बोला गया है कि इसमें इसका जो यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है, हर एक ये एक रैंक है, ये एक टैक्सॉन है, ठीक है। अब यहाँ पे बोला गया है कि कॉमनली इन्हीं को हम टैक्सॉन बोलते हैं और प्लूलर फॉर्म टैक्सो, मतलब अगर सिंगल सिंगल की बात करें तो टैक्सो, अगर सारे की एक साथ बात कर लें तो हम बोल देंगे टैक्सॉन। जैसे बॉय हो गया सिंगल, बॉयज हो गए बहुत सारे, तो वही सिंगुलर और प्लूरल का डिफरेंस है और कुछ नहीं, ठीक है। अब देखो आगे आपको ये चीज समझाते हैं। अरे कहाँ गया, अच्छा यहां पे एक एग्जांपल दिया है कि अच्छा एक काम करते हैं, आपको हम एक थोड़ा सा स्पेस लेके एक चीज समझा देते हैं, ओके, विल इट वर्क, क्योंकि तुमको हम डायरेक्ट रीड करेंगे तो समझ नहीं आएगा। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस इट, कुछ कुछ चीजें जो आपको यहां पे समझनी है अभी, चलेगा जमीला? हाँ, सो हम लोग रीड करेंगे क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे मुझे नए दिख रहे हैं, सो फॉर देम लेट्स डू दिस एंड देन इट वॉन्ट बी अ प्रॉब्लम। चलो फटाफट से मेरे साथ बोल दो, मेरे साथ फटाफट से बोलो, स्पीसीज, देखते किसको किसके याद हुआ, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, डिवीजन स्लैश फाइलम, डिवीजन स्लैश फाइलम, वेरी गुड, क्या मस्त स्पीड जा रही है। एंड देन वी हैव किंगडम, देन वी हैव किंगडम, ओके, क्या क्या चीज मैंने बोला, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, डिवीजन, फाइलम, किंगडम, ठीक है। ये क्या हो गई, ये हो गई अपनी एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, ये हो गई अपनी एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी हो गई, ओके,
यहाँ पे शेप कहाँ से आते हैं पता नहीं, मैंने लास्ट डे लिया था सो शेप में तो है नहीं, सो हियर वी आर। हाय राम, अरे चल जाओ यार, तुम लोग तो बड़े बदमाश हो, एक सीधी लाइन नहीं आ रही है, देख रहे हो क्या? आ गए आ गए आ गए बच्चा, आ गए आ गए। ये इसका अरेंजमेंट है। अब देखो ये क्या है ओवरऑल, अगर हम पूरी की बात करें तो ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज को हम लिखेंगे, सॉरी टैक्सोनॉमिक हायरार्की। ये हमने क्या रिप्रेजेंट किया, हमने इसको अरेंज कर दिया है, तो ये हो गई हमारी टैक्सोनॉमिक हायरार्की। टैक्सोनॉमिक हायरार्की ठीक है। एक बात बताइए, सबसे छोटा यहाँ पे, सबसे जो हमारा लोवेस्ट टैक्सॉय, लोवेस्ट टैक्सॉय स्पीसीज हुआ सबसे नीचे वाला, सबसे हायर कौन सा है? किंगडम है। सबसे हायर कौन सा है? किंगडम है। अब देखो कुछ कुछ चीज़ें हैं इसमें से बेटा, सिर्फ हमारे पास स्पीसीज जो है ये सच में एग्जिस्ट करता है, बाकी ये सारी चीज़ें, बाकी ये सारी चीज़ें हमारी इमेजिनेशन में, ओ गॉड ये तो लिख गया इसके ऊपर, बाकी सारी चीज़ें ये हमने इमेजिन किया है। ओके अब इसके बारे में कुछ खास बातें सुनो, अब इसके बारे में कुछ खास बातें सुनो। सबसे ज़्यादा जो कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं वो स्पीसीज में होंगे, मोस्ट कॉमन कैरेक्टर्स जो होंगे वो स्पीसीज में मिलेंगे, मोस्ट कॉमन कैरेक्टर्स यहाँ पे होंगे और लीस्ट कॉमन कैरेक्टर्स ऊपर होंगे, लीस्ट कॉमन कैरेक्टर्स। बेसिकली हम आपको ये बोलना चाह रहे हैं, कॉमन कैरेक्टर्स मतलब स्पेसिफिक सिमिलर आप लिखो ज़्यादा आसान रहेगा, याद रखना स्पीसीज सासे सिमिलर सिमिलर ठीक है, लीस्ट सिमिलर कैरेक्टर्स ऊपर होगा, मतलब जितना हम ऊपर बढ़ते जाएंगे बेटा हमारी सिमिलैरिटी धीरे 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 कम होती जाएगी, सिर्फ कुछ कुछ चीज़ें ही मिलेंगी, मतलब ऊपर की जो कैटेगरीज होंगी उनमें हम बहुत सारे सिमिलर कैरेक्टर्स देख के एक कैटेगरी में रखेंगे, उसमें जर्नली हम एक दो देख लेंगे, है ना, जर्नल पॉइंट्स हमको मिल गए कि हाँ किंगडम, फॉर एग्जाम्पल किंगडम एनिमिलिया, कि हाँ सारे के सारे ऑटोट्रॉपिक हैं, तो ये एक क्या हो गया, ये हमने एक जनरल फीचर्स देख लिया, हमने बहुत सिमिलरिटी नहीं देखी यार। किंगडम एनिमिलिया में आपके एक स्पॉन्जेस भी आते हैं जो एक बेचारे ना कुछ नहीं कर पाते, उनके पास ऑर्गन लेवल तक नहीं होता, टिश्यू तक नहीं होता है, उसी जगह पे हमको देखो, हम में उनमें क्या सिमिलरिटी है, जमीन आसमान का अंतर है ना, लेकिन हमारे पास एक सिमिलरिटी क्या है कि हम सारे के सारे ऑटोट्रॉपिक हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दे रहे हैं, सो वही यहाँ पे मेरे बोलने का मतलब है, किंगडम में सबसे कम सिमिलर कैरेक्टर्स होंगे, ठीक है। यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि हाँ भाई कोई दो चार जर्नल वे में कैरेक्टर्स मिल जाए, इसको लीस्ट सिमिलर को अदर टर्म में बोलते हैं कि जर्नल कैरेक्टर्स, सिमिलर ना होने को ही जर्नल कैरेक्टर बोलते हैं, है ना। जैसे कभी दो जर्नल का मीनिंग यहाँ पे क्या समझिए, बहुत बच्चे कन्फ्यूज होते हैं, जैसे जो दो बच्चे बैठे हैं, दो लोग बैठे हैं, है ना, अब क्या है कि हम लोग कुछ ऐसे स्पेसिफिक कोई ढंग का बात नहीं कर रहे हैं कि हाँ हमारे तुम्हारे बीच बड़ी ही अच्छी बातें चल रही है, तो कोई नॉर्मल रैंडम दोस्त आएगा तो हम क्या करेंगे, अरे कुछ नहीं ऐसे जर्नल बातें कर रहे हैं, जर्नल बातें मतलब रैंडमली हमने कहीं की भी उठा ली है। तो वही चीज़ यहाँ पे भी है कि मोर जर्नल कैरेक्टर होने का मतलब है कि हमने रैंडम पॉइंट्स उठाए हैं, बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी नहीं देखी है, थोड़े बहुत सिमिलरिटी पर अपना काम चल रहा है। सो इसलिए कभी कभी क्वेश्चन में आता है कि मोर जर्नल कैरेक्टर कहाँ पे हैं, सो वो आपका किंगडम में है, ये बस लीस्ट सिमिलर को कहने का अदर तरीका है। तो अगर लीस्ट सिमिलर को हम मोर जर्नल बोल रहे हैं बेटा, तो मोर सिमिलर को हम लेस जर्नल बोल सकते हैं कि हाँ यहाँ पे जर्नल नहीं है, है ना, कि आम तौर पे कोई भी पॉइंट हमने उठा लिया, यहाँ पे स्पेसिफिक होगा, यहाँ पे सिमिलरिटी होनी चाहिए, यहाँ पे कॉमनलिटी होनी चाहिए। तो बस वही चीज़ है, ये पॉइंट हमेशा याद रखना, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ते जाएंगे हमारी सिमिलरिटी घटती जाएगी। यहाँ पे अगर हमें 100 कॉमन कैरेक्टर मिल रहे हैं तो यहाँ पे 50 मिलेंगे, तो यहाँ पे 30 मिलेंगे, तो यहाँ पे 20 ही मिलेगा, तो यहाँ पे 10, यहाँ पे 5, यहाँ पे हो सकता है शायद कोई एक कॉमन कैरेक्टर मिले। ओके मैंने एक आंकड़ा दिया, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। सो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, इसमें से अगर मैंने ये सातों दिए हैं, सातों में से पूछा कि लीस्ट कलेक्टर कौन सा है, आप इस पर टिक करोगे। अगर मैंने सिर्फ ये तीनों दिया है तो
तो लीस्ट सिमिलर में आंसर आपका कौन सा आएगा? अगर सिर्फ मैंने ये तीनों दिया, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, अगर मैंने आपको सिर्फ ये तीनों दिया तो आपका आंसर फैमिली आएगा ऑफकोर्स, क्योंकि मैंने ये सारे ऑप्शन में दिया ही नहीं है। सो हमेशा याद रखना, जब भी क्वेश्चन पूछेंगे फटाक से साइड में क्या करना बेटा, साइड में हायरकी लिख लेना, ठीक है, देख लेना हाईएस्ट लेवल पे कौन सा है, उसी बेसिस पे आंसर दे देना, ठीक है। ये हो गई हमारा काम। अब देखो, अब होता क्या है कि ये एक टैक्सा हो गया, ठीक है, ये एक टैक्सा हो गया, ये सारे टैक्सा हो गए, ये सारी अलग अलग कैटेगरी हो गई, लेकिन लेबल अलग है। अब देखिए स्पीसीज क्या है बेटा, कई सारे सिमिलर कैटेगरीज, कई सारे सिमिलर स्पीसीज मिलके एक जीनस बनाते हैं, कई सारे सिमिलर जीनस मिलके एक फैमिली बनाते हैं, कई सारे फैमिलीज बेटा मिलके क्या बनाती हैं, एक ऑर्डर बनाते हैं, कई सारे ऑर्डर मिलके एक क्लास बनाते हैं, कई सारे क्लास मिलके एक डिवीजन बनाते हैं, कई सारे डिवीजन मिलके एक किंगडम बनाते हैं, ठीक है। सो इसी बेसिस पे आपको बार बार पूरे एनसीईआरटी में रिपीट किया गया है, ग्रुप ऑफ जीनस वो बनाना सीखो, ग्रुप ऑफ सिमिलर स्पीसीज जीनस, ग्रुप ऑफ सिमिलर जीनस फैमिली, ग्रुप ऑफ सिमिलर फैमिली ऑर्डर, ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्डर क्लास, ग्रुप ऑफ सिमिलर क्लास डिवीजन, ग्रुप ऑफ सिमिलर डिवीजन किंगडम, ठीक है। तो ये आप इसको बनाना सीख लो, आंसर बनाना सीख लो। अब देखो हम एक एग्जांपल लेते हैं, जो बच्चों को नहीं समझ आता है कि हम इनको सबको कैटेगरी क्यों बोल दे रहे हैं, इनको सबको हम कैटेगरी क्यों बोल दे रहे हैं। चलो एक एग्जांपल आपका बगल में लिख रहे हैं, ठीक है, जैसे किसी का भी सविता का क्लास ले लेते हैं, सविता का ले लेते हैं कि जर्नल, हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे बेटा आपका स्कूल होता है ना, तो क्या होते हैं, सबसे पहले हमारा क्लासिफिकेशन कहाँ से शुरू करती है टीचर, बड़ी भयानक होती है, सबसे पहले भाई गर्ल्स का रो अलग कर देगी, है ना, गर्ल्स की रो बीच में होती है जनरली, और बॉयज की रो, तो गर्ल्स की रो को हम एक स्पीसीज समझ लेते हैं, बॉयज की रो को एक स्पीसीज। फिर कई सारी रोज क्या होती है बेटा, एक प्रॉपर एक क्लास में होती है, एक सेक्शन में होती है, तो उसको हमने सेक्शन ए मान लिया, ठीक है। तो ऐसे ही कई सारे सेक्शन, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, ये सारे मिलके क्या बना देते, एक क्लास बना देते, फॉर एग्जांपल क्लास 11th। फिर कई सारे क्लास, जैसे क्लास 11th, क्लास 12th, क्लास 10th, ये मिलके क्या बना देंगे, बेसिकली हम बोल सकते हैं कि स्ट्रीम बन जाएगा साइंस, है ना, और आपके स्कूल में साइंस ही तो होगा नहीं, है ना। दूसरा हमारा क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या होता है, स्ट्रीम होता है कि हाँ साइंस है या कॉमर्स है। ऐसे ही हमारे स्कूल में क्या होता है बेटा, साइंस का हो गया, आर्ट्स का हो गया, ह्यूमैनिटीज का हो गया, कई सारे मिलके टोटल आपका क्या बना रहे हैं, टोटल आपका स्कूल बना रहे हैं, ठीक है। और कई सारे सिमिलर स्कूल, जैसे सारे सीबीएसई के स्कूल, है ना, वो दूसरी कैटेगरी बना रहे हैं कि हाँ सीबीएसई स्कूल हो गए। सो ये हमारा नेक्स्ट हमारा क्या होगा कि हाँ स्कूल का बोर्ड कौन सा है। फिर कई सारे बेसिकली डिफरेंट, ऐसे समझ लो, बस इतना एग्जांपल आपके लिए काफ़ी है। सो वही चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। अब देखो सिमिलरिटी अगर हम ध्यान देने की कोशिश करें बेटा, ये भी एक क्लासिफिकेशन हुआ ना, ये भी एक क्लासिफिकेशन हुआ। हम लोग बोर्ड के बेसिस पे क्लासिफाई कर रहे हैं, ये एक अलग कैटेगरी हो गई। हम लोग स्कूल के बेसिस पे क्लासिफाई कर रहे हैं कि हाँ ये केवी में पढ़ता है, ये यहाँ पे पढ़ता है, ये अलग क्लासिफिकेशन हो गया, बट है तो वो भी एक रैंक है, भी है तो वो भी एक कैटेगरी। हमने स्ट्रीम के बेसिस पे किया, ये साइंस का है, कॉमर्स का, ये भी एक कैटेगरी हो गई, ठीक है। सो वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है, सारी सिमिलर चीज़ें आप बस रिलेट करते चलना, है ना, कि कई सारे सेक्शन मिलके क्लास बनाए, कई सारी क्लास स्ट्रीम, वही सेम चीज़ यहाँ पे। अब एक बात बताइए, ये वाला जिसको नहीं समझा उसके लिए मैंने एग्जांपल लिया, एक बात बताइए बेटे, सबसे ज़्यादा फॉर एग्जाम्पल कि दो बच्चे सेम बोर्ड्स में हैं, उनमें ज़्यादा हैबिट्स मिलेंगी, या फिर दो बच्चे सेम सेक्शन में हैं उनमें मिलेगा, अफकोर्स सेम सेक्शन वाले, उसमें बेटा बहुत सारे कॉमन फीचर्स मिलेंगे, ठीक है, बहुत सारे कि हाँ यार उनका सब्जेक्ट सेम है, उनके पढ़ाने वाले टीचर सेम हैं, शायद उन सबके क्रश सेम हो, है ना, यूनिफॉर्म सेम है, बहुत बहुत सारी सिमिलरिटी होंगी, ओके। लेकिन इसमें क्या सिमिलरिटी होगी, इसमें सिर्फ एक सिमिलरिटी होगी कि भाई दो के दोनों सीबीएसई बोर्ड के हैं। तो बस वही बात हमने यहाँ पे की थी कि जो स्पीसीज होंगे उसमें सबसे ज़्यादा सिमिलर करेक्टर, सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक करेक्टर आपको देखने मिलेंगे, लेकिन अगर हम जितने टॉप लेवल पे आते जाएंगे उतना कॉमन फीचर्स कम होते जाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पे टारगेट करो, यहाँ पे आप ध्यान दो, यही हमने बात बताई है, ठीक है, अब समझ आ गया। अब इसमें किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सो लेट्स मूव टू समथिंग एल्स।
अब एक और चीज पढ़ा देते हैं, अरे हो जाएगा बच्चा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, अभी आप टेंशन काहे को ले रहे हो। एनसीईआरटी में बेटा एक एग्जांपल लिया गया है, समझा दें इस एग्जांपल के साथ, उस एग्जांपल के साथ आपको समझा दें। देखो मैंने बोला है ख़त्म करने को तो ख़त्म होगा, ठीक है, और नहीं भी ख़त्म होगा तो हमें कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारा टारगेट ये नहीं है कि हम भगा के ख़त्म करें। सेम टाइप परफॉर्मेंस, हाँ सही बोले, जो भी करो ढंग से करो, नहीं होगा तो क्या करना है, हम नहीं करेंगे आज, नेक्स्ट डे के लिए कर देंगे। सो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, इट्स नॉट अ समथिंग कि हाँ हमारे लिए ये है ही है। सो अगर आपको नहीं होनी चाहिए जल्दबाजी, देखो तो कि मेरे को कढ़ाना है, मेरे पास बल्कि फिक्स आवर्स हैं, हम जल्दबाजी नहीं कर रहे तो आपको क्या है, क्लास 8:30 तक होगी। लेट्स टेक एग्जांपल, आपके बेटा इसमें एनसीईआरटी में दो एग्जांपल दिया है ना, एक एग्जांपल एक एनिमल का दिया है, एक एग्जांपल एक प्लांट का दिया हुआ है। सो लेट्स डू दिस। वैसे तुम लोग को सोचे थे हम करा देंगे, लेकिन अभी सोच रहे हैं। एक बात बताओ, ये पैराग्राफ पे पढ़ा दें या रीडिंग करके करा दें आगे, कमेंट सेक्शन में जल्दी से ही बता दो। कितने बज गए, 8:03 हो गए, तुम लोग का क्विज बना दें क्या, क्विज एंड में ले लेंगे यार, जस्ट गिव मी मिनट। तुम लोग को आज मैंने पहले ही बोलता पेशेंस रखना, पेशेंस, आई नो थोड़ा सा एक्सटेंड हो रहा है, थोड़ा सा ये ज़्यादा खींच रहा है, नहीं खींचना चाहिए, लेकिन क्या करें बेटा, आदिल है कि मानता नहीं है ना, आदतें मेरी ऐसी हैं कि हम ऐसे नॉर्मली रीड करके नहीं जा सकते। बाकी तो इट वॉज सपोज टू बी ओनली रीडिंग सेशन, बट सम वेयर इट इज़ कन्वर्टिंग टू दी मोर डिस्क्रिप्टिव सेशन देन एनी वन हैव एवर टेकन। सो क्या बताएं, ऐसी ऐसी अब हरकतें आ जाती हैं बच्चा हमारी, है ना, जो आदत होती है जाती कहाँ पे है। रीडिंग करेंगे, एक चीज़ बस, एक चीज़ दिखा दें आपका काम, बस यहाँ पे एक चीज़ करवा दें आप, उसके बाद रीडिंग 2 मिनट का काम है। आपके एनसीईआरटी में दो एग्जांपल दिया है, आई एम जस्ट टेकिंग दो एग्जांपल, ठीक है। आपके एनसीईआरटी में बताया गया है कि जैसे एनिमल का एक एग्जांपल, इधर मैं एनिमल का लेके समझा दे रहा हूं, प्लांट्स का आप देखे समझ लेना, ठीक है, क्योंकि टाइम भी है। कई सारी स्पीसीज दी हैं, कौन कौन से बेटा स्पीसीज दी हैं, एक दिया हुआ आपका लियो, एक दिया हुआ है आपका पार्डस, लियो एंड पार्डस, ये क्या है, ये दो स्पीसीज हैं, ठीक है, ये दोनों स्पीसीज सेम जीनस में आते हैं, कौन से जीनस में, पैंथेरा, ठीक है, लेकिन पैंथेरा एक फैमिली में आता है, पैंथेरा की फैमिली कौन सी है, फेलेडी, फेलेडी, लेकिन फेलेडी में सिर्फ एक जीनस नहीं आता बेटा, और भी एक जीनस आता है, कौन सा, पैंथेरा फेलिस, फेलिस, ठीक है, और फेलेडी का एक ऑर्डर है, फेलेडी का ऑर्डर कौन सा है, आपका कार्निवोरा, ठीक है, लेट्स लीव दिस। तुम लोग का पढ़ने मन नहीं लग रहा है, ठीक है, चलो आ गई आप एनसीईआरटी में करना, लेकिन एक मैंने आपको एक पाथवे दिखा दिया है, आप इसी में इसको अरेंज कर लेना, ठीक है, आपको यहाँ पे प्राइमेटा दिखेगा, ठीक है, फिर कार्निवोरा दिखेगा, देन यू जस्ट अरेंज इट एंड राइट इट जस्ट बाई दिस साइड, एक साइड पे आप प्लांट एनिमल का लिख लेना, एक साइड पे आप प्लांट का लिख लेना, दैट्स यू हैव टू डू बाई योर सेल्फ, तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है, हाँ कार्निवोरा है, फिर यहाँ पे प्राइमेटा है, फिर यहाँ पे प्राइमेट्स नॉन प्राइमेट्स आते हैं, फिर आपके एनिमेलिया बनाते हैं, इवन आई हैव टू चेक दैट, सो दैट्स वाई लेट्स लीव इट, ठीक है। सो आ जाओ पढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है, कहाँ पे थे हम लोग, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, हाँ अच्छा, यहाँ पे कुछ बात बताया गया है, देखते जाइए क्या क्या चीज़ें हैं, अगर 8:30 के बाद टाइम मिलेगा तो आई विल मेक दिस, लेकिन अभी जल्दबाजी, देखो बात क्या होती है ना कि जब तक तुम लोग का मन नहीं लगता फिर मेरे को भी जल्दबाजी होने लगती है ना, फिर होता है गड़बड़। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज और हायरकी क्या है, ये एक एग्जांपल से आपको रिप्रेजेंट किया जाता है कि जैसे इंसेक्ट बताया गया, इंसेक्ट की कॉमन फीचर क्या है, इंसेक्ट का कॉमन फीचर है कि यार उसके पास 3 जॉइंट अपेंडेजेस होगा, देखो इंसेक्ट्स का आपका कॉमन फीचर यहाँ पे दिखा दिया गया, क्या बता दिया गया कि उसके पास 3 जॉइंट अपेंडेजेस होंगे, तो इसका मतलब क्या है कि हम कभी भी इंसेक्ट को बहुत ही अच्छे से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, ठीक है, और उसी अकॉर्डिंग हम उसको एक प्रॉपर रैंक या कैटेगरी दे सकते हैं,
ठीक है. अब यहाँ पे बोला गया कैन यू ग्रुप दी, कैन यू नेम अदर ऑर्गेनिज्म टू दिस ग्रुप. ये सब कॉज बी कैन, कोई भी इंसेक्ट उठा के डाल दो, है ना, सारे के सारे इसी में आ जाएंगे. ठीक है. अब यहाँ पे बोला गया कि हर एक टैक्सॉन, इनफैक्ट एवरी टैक्सॉन रिप्रेजेंट्स अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन. ये लाइन मैंने आपको लिखवा दी है. कहाँ पे लिखवा दी? एकदम स्टार्टिंग में. ठीक है. हर एक टैक्सॉन एक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है. That these taxonomic group categories are distinct biological entities and not merely morpho. देखो सिर्फ और सिर्फ morphological basis पे नहीं है, और भी कई सारे features हैं जिनके basis पे हम इनको उठा के डालते हैं. नहीं आज नहीं है. टैक्सोनॉमिक स्टडीज में हम क्या जानते हैं कि हमें जो है कुछ कुछ कॉमन करेक्टर्स को देखना है, उसे किंगडम में उठा के डाल देना है, फिर फाइलम या डिवीजन में, फिर उठा के क्लास में, फिर ऑर्डर में, फिर फैमिली, फिर जीनस या स्पीसीज, जो हमने बात की. सारे के सारे जो इंक्लूडिंग एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं, है ना, उनमें जो सबसे लोएस्ट कैटेगरी है वो स्पीसीज है. ये भी हमने लिखवा दिया आपको, लोएस्ट कैटेगरी स्पीसीज है. तो क्वेश्चन आता है कि हाउ टू प्लेस एन ऑर्गेनिज्म इन वेरियस कैटेगरी, किस बेसिस पे हम लोग जो है ऑर्गेनिज्म को अलग अलग कैटेगरी में डालते हैं. ठीक है, उसके लिए आपको बेसिक नॉलेज चाहिए. उसके लिए नॉलेज क्या चाहिए? आपको इंडिविजुअल का करेक्टर्स पता होना चाहिए, है ना. अगर आपको बेटा कोई अगर करेक्टर्स को डिफाइन नहीं करेगा तो आप कैसे मैच करोगे? जैसे आपकी क्लास में आपको नए 15 बच्चे ला के डाल दिए गए, तो टीचर क्या करता है? टीचर एक टेस्ट ले लेता है कि हाँ भाई, जो पढ़ाकू बच्चे हुए उनको सेक्शन ए में डाल दिया, जो मीडियम हुए बी में, जो नहीं हुए सी में. तो वही आपका बात यहाँ पे बताया गया. दिस हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज अमंग दी. हम लोग सिमिलरिटी डिसिमिलरिटी ढूंढते हैं और उठा के क्या करते हैं कि ऑर्गेनिज्म को एक प्रॉपर ग्रुपिंग में डाल देते हैं. नाउ वी आर टॉकिंग हियर अबाउट द स्पीसीज. स्पीसीज के बारे में क्या बात बताया गया है कि इसमें सबसे ज़्यादा फंडामेंटल सिमिलरिटी होगी. ठीक है, कोई इंसान जो है आराम से डिस्टिंग्विश कर सकता है क्लोजर रिलेटेड स्पीसीज को. अगर यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है मैग्नीफेरा इंडिका, ठीक है, और सोलेनम ट्यूबरोसम, पोटैटो का, पैंथेरा लियो लायन का. ये याद हो जाना चाहिए आपको. मैंथेरा मैग्नीफेरा इंडिका मैंगो, ठीक है, ये लिस्ट बना लो. सोलेनम ट्यूबरोसम, पोटैटो, पैंथेरा लियो लायन. इसमें स्पीसीज कौन सी है कमेंट सेक्शन में तुम लोग खुद बता सकते हो कि मैम जो सेकेंड कंपोनेंट है, जैसा कि हमने देखा था इंडिका ट्यूबरोसम लियो, ये सारे स्पेसिफिक एपिथेट रिप्रेजेंट कर रहे हैं. कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं ना. बाकी पहला वर्ड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है तुम लोग कमेंट सेक्शन बताओ. जबकि फर्स्ट वर्ड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये देखो आगे लिखी दिया गया है कि पहला वर्ड आपका जनरल रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, बस जो कि इसके जस्ट ऊपर की कैटेगरी है ना. हर एक जीनस, एवरी जीनस मे हैव और मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म. क्या बात बताया जा रहा है कि एक जीनस में कई सारे स्पीसीज आ सकते हैं. वन जीनस कैन कंटेन मोर देन वन स्पीसीज. एग्जांपल क्या लिया है कि पैंथेरा एक जीनस है बेटा. पैंथेरा एक जीनस है जिसमें आपके कई सारे स्पीसीज हैं. कौन कौन से? जैसे कि आपका टाइग्रिस भी है, ठीक है, और आपका जो है इसी में आ जाता है लियो भी आ जाता है. टाइग्रिस भी आ जाता है, लियो भी आ जाता है. सोलेनम दूसरा हम ले लें, यही आपको बता रहे थे. सोलेनम एक जीनस ले लें, इसमें दो चीजें आ जाएंगी आपकी. कौन कौन सा? नाइग्रम आ जाएगा, मिलोंजिना आ जाएगा. ठीक है, नाइगर आ जाएगा, नाइग्रम एंड मिलोंजिना. क्या हमारी बात सही हो रही है कि टू सिमिलर काइंड ऑफ स्पीसीज, मोर देन वन सिमिलर काइंड ऑफ स्पीसीज विल फॉर्म अ जीनस, मोर देन वन काइंड ऑफ सिमिलर स्पीसीज विल फॉर्म अ जीनस? ठीक है, अब देखो, अब बात यहाँ पे ये आती है होमोसैपियंस. लेकिन एक ऐसी बेटा होमो एक ऐसा जेनस है ना कि जिसमें सिर्फ एक स्पीसीज आती है, ये याद रखना. इट इज़ द ओनली जीनस हैविंग वन स्पीसीज. आपको होमोसैपियंस के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है, ये याद रखना. बाकी नॉर्मली हमें हर एक जीनस में बेटा कई सारे क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज मिल जाएंगे. देखो ऐसे समझ लो कि कभी कभी क्या होता है, जैसे कि आप ये समझ लो कि बॉयज़ स्कूल है. बॉयज़ स्कूल में पूरी क्लास में सिर्फ और सिर्फ बॉयज़ होंगे, उसमें कोई गर्ल्स की रो अलग से नहीं होगी, बस इतना समझ लो.
जीनस पढ़ लें, जीनस के बारे में क्या बात बताया गया, जीनस की डेफिनेशन दी गई है कि कई सारे क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज मिलके जिनमें कई सारे कैरेक्टर्स कॉमन होते हैं उन्हें हम एक जीनस में डाल देते हैं। डेफिनेशन यहाँ से आपको मिल गई, ठीक है। एग्जाम्पल क्या दिया गया है कि जैसे आलू और बैंगन दो अलग अलग स्पीसीज हैं लेकिन जीनस इनका सेम है, ठीक है। और लायन और आपका लेपर्ड, टाइगर, ठीक है, ये सारे किस जीनस में आते हैं, पैंथेरा में आते हैं, लेकिन स्पीसीज कौन सी है, एक लियो स्पीसीज है, एक पार्डस स्पीसीज है, एक टाइगर स्पीसीज है। तो आपसे पूछा जाएगा कि पैंथेरा में कौन कौन बिलोंग करता है, तो आप पैंथेरा में स्पीसीज का एग्जाम्पल दे सकते हो, टाइग्रेस आप एग्जाम्पल दे सकते हो, पार्डस आप एग्जाम्पल दे सकते हो, लियो थोड़ी स्पीड बढ़ाओ नहीं तो जाओगे, ठीक है। अब क्या बोला गया है कि इसमें कई सारे कॉमन फीचर होंगे, ठीक है, बट अगर हम स्पीसीज की कंपैरिजन में करें तो नहीं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बोला गया है दिस जीनस डिफर फ्रॉम अनदर जीनस दैट इज फेलिस इंक्लूड्स कैट, ऑब्वियस सी बात है, है ना, कि जीनस पैंथेरा, पैंथेरा जीनस हो गया और फेलिस एक जीनस हो गया, इन दोनों में उतनी सिमिलरिटी नहीं होंगी, इसमें डिफरेंसेस होंगे क्योंकि दोनों जीनस ही भाई डिफरेंट है। ये तो वही बात होगी ना, क्लास 11th है दूसरा क्लास 12th है, दोनों में काफ़ी कुछ डिफरेंसेस हैं, ओके। नेक्स्ट वी आर मूविंग टू फैमिली। फैमिली के बारे में क्या बात बताया गया है, क्या होगा, तुम लोग खुद ही डेफिनेशन बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो, बोल दो, ऑफकोर्स मैम बना सकते हैं। क्या होगा, ग्रुप ऑफ रिलेटेड जनरा, मैंने आपको डेफिनेशन बनानी बताई है कि डेफिनेशन बनाना बहुत आसान है, बस ऐसे बोल दो, ऊपर से नीचे बढ़ते जाओ, नीचे से ऊपर, ग्रुप ऑफ स्पीसीज जीनस, ग्रुप ऑफ सिमिलर जीनस फैमिली, ग्रुप ऑफ सिमिलर फैमिली ऑर्डर, ग्रुप ऑफ सिमिलर रिलेटेड ऑर्डर क्लास, ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लास फाइलम, ग्रुप ऑफ रिलेटेड फाइलम किंगडम, दैट्स ऑल। सो हमने टेबल में ही पूरा चीज पढ़ लिया मैक्सिमम। अच्छा, अब यहाँ पे बोला जा रहा है विद स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटीज एज कंपेयर टू जीनस एंड स्पीसीज, क्या ये लाइन सही है, क्या ये लाइन सही है, तुम लोग बताओगे कि फैमिली में कॉमन फीचर्स, सिमिलर फीचर्स कम होंगे जीनस और स्पीसीज में, बोल दो हाँ मैम, एकदम सही है, क्योंकि हमने यही पढ़ा था कि जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर बढ़ते जाएंगे हमारी सिमिलरिटी घटती जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे बोला गया है कि इसमें हम लोग कॉमन क्या है, लेकिन कुछ ना कुछ तो कॉमन फीचर होंगे, हम लोग फैमिलीज में कौन कौन से फीचर देखते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव फीचर देखते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल दिया गया है तीन अलग अलग जनरा का, कौन सा एग्जाम्पल दिया है, सोलेनम, पिट्यूनिया, डटूरा, ये सारे किस में आते हैं, ये सारे आते हैं सोलेनेसी फैमिली में, कौन कौन सा मैंने बोला, सोलेनम, एक जीनस हो गया सोलेनम, याद रखना, पिट्यूनिया, डटूरा, पिट्यूनिया, ठीक है, याद रखना, डीपीएस से याद रखना, सारे के सारे बेटा बिलोंग करते हैं एक फैमिली सोलेनेसी, क्योंकि सोलेनम ज़्यादा कॉमन है, तो किसी एक जीनस का नाम लेके उसका फैमिली दे दिया जाता है। एक और चीज़ याद रखना, फैमिली के एंड में हमेशा एई होगा, एई, ये सफिक्स ऑफ फैमिली है, जैसे सोलेनेसी, मालवेसी, है ना, कॉन्वुलेसी, ठीक है। पिटूनिया गूगल पे देख लेना, बहुत अच्छा सा एक छोटा सा फ्लावर होता है, पेड़ के तरीके से होता है, यू विल सर्च इट, यू विल गेट इट। एनिमल्स में एक एग्जांपल दिया है जीनस पैंथेरा, जिसमें टाइगर आते हैं, लेपर्ड, इन दोनों को साथ में रखा गया फेलिस में, फैमिली कौन सी है, फेलेडी। फेलेडी में यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, फेलेडी में यहाँ पे आ रहा है आपका बेटा पैंथेरा, लेपर्ड एंड फेलिस, ठीक है। ओके, फाइन, लेट्स स्टार्ट। सिमिलरली इफ यू विल ऑब्जर्व द फीचर्स कैट एंड डॉग्स, इसका निमोनिक मुझे याद नहीं आ रहा एक्चुअली, तुम लोग को ट्रिक बताने वाले थे बट आई फॉरगेट दिस, और बनाने का टाइम दिख नहीं रहा है, सो लेट्स मूव। अब यहाँ पे बोला गया कुछ कुछ आप कॉमन फीचर्स यहाँ पे देखोगे, कुछ कुछ डिफरेंसेस भी देखोगे, बड़ी सिंपल सी बात है। अब दो फैमिली का एग्जाम्पल आपको दिया गया है,
फेलेडी एंड कैनेडी, फेलेडी एंड कैनेडी, ये दोनों क्या है, अलग अलग फेले। अच्छा एक और चीज़ तुम लोग को दिखेगा कि कई बार बेटा, कई बार आपको फैमिली के एंड में ए नहीं दिखेगा, ए दिखेगा, ए ई दिखेगा नॉर्मली, डी ए ई। तो जनरली जो एनिमल किंगडम की फैमिलीज होती हैं उसमें डी ए ई भी हो सकता है, मतलब ए सी हमेशा होगा प्लांट्स वाले केस में, लेकिन कई जगह पे रूल एक्चुअली ए सी का ही आ गया है, लेकिन बहुत सारे नेम अभी तक चेंज नहीं हुए हैं, ठीक है। तो वो फेलेडी कैनेडी ही हैं, तो वो भी आपकी फैमिली रिप्रेजेंट करते हैं। कैनेडी में बेटा डॉग आते हैं, इसमें बच्चे अक्सर गलती करते हैं, सी फॉर आपका कैनेडी होता है, ये कैट लिख के आते हैं, लेकिन नहीं बेटा फेलेडी में आपका कैट आता है, कैनेडी में डॉग आता है। सोच रहे हो जरा कि शेर चीता और बिल्ली एक ही फैमिली में, कैन यू इमेजिन, मतलब बल्कि दो अपोजिट चीजें हैं कि भाई वो शेर है वो बिल्ली है। लेकिन यही तो बात हमने की थी कि जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाएंगे बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी हमें नहीं मिलेगी, सिर्फ कुछ कुछ सिमिलरिटी मिलेगी, उसी बेसिस पे हम उठा के रख देंगे, मतलब कहाँ बिल्ली कहाँ शेर, वाह, बट कुछ फीचर्स हैं जो सेम है जिसकी वजह से उनको सेम फैमिली में रखा गया। ऑर्डर बोला गया है, ऑर्डर क्या बोला गया है कि अर्लियर आपने स्पीसीज देखा, जीनस देखा, फैमिली देखा, अरे वाह अपनी बताते तो हम भूल जाते, किसके बेसिस पे थे, सिमिलर करेक्टर्स के बेसिस पे। इसी तरीके से ऑर्डर एक हायर टैक्सोनॉमी, ऑफ कोर्स हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं, है ना, इसमें हम लोग कुछ एग्रीगेट्स करेक्टर्स लेंगे, मतलब सम टोटल दो चार करेक्टर्स के बेसिस पे हम लोग उठा के डाल देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि कुछ जैसे कि ओके अनदर इम्पॉर्टेंट लाइन विच इज रिटन हियर, यहाँ पे लिखा है कि सिमिलर करेक्टर्स आर लेस इन नंबर एज कंपेयर टू डिफरेंट जीनस इंक्लूडेड फैमिली, एम आई राइट। यहाँ पे बोला जा रहा है कि ऑर्डर में सिमिलर करेक्टर्स कम होंगे फैमिली जीनस स्पीसीज के कंपैरिजन में, ऑफ कोर्स यस। प्लांट फैमिली का एक एग्जांपल दिया, कौन कौन सा याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, कॉन्वुलेसी, सोलेनेसी, ये सारी किस में आती हैं, पॉलीमोनियल्स में आती हैं, याद रखना। इसे कैसे याद रखोगे, इसे याद रखोगे आप लोग पीसीएस से याद रख लेना, पी फॉर पॉलीमोनियल्स, एस फॉर सोलेनेसी एंड सी फॉर कॉन्वुलेसी, कॉन्वुलेसी। कल हम लोग क्लास करेंगे ना, कल हम लोग इसका टेस्ट करेंगे, तो आपको बाकी के जो बचे हैं उसके भी निमोनिक्स आपको बता देंगे, आपको याद हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, एकदम झक्कास क्लियर होगा। अच्छा ये सारे किस ऑर्डर में रखे गए हैं, ये सारे किस ऑर्डर में आए हैं, ये सारा एक ऑर्डर है कार्निवोरा, है ना। कार्निवोरा में कौन कौन सी फैमिली आती है, फेलेडी एंड कैनेडी, याद रखना फेलेडी एंड कैनेडी आपकी किस में आते हैं, कार्निवोरा में आते हैं। अब हम अगर क्लास की बात करें, अगेन सेम डेफिनेशन, रिलेटेड ऑर्डर ऑफकोर्स, क्योंकि इसके ऊपर है। एग्जाम्पल कौन सा है, प्राइमेटा, प्राइमेटा में कौन कौन सा आया है, मंकी, गोरिल्ला, जिबन, ये तीनों आपके प्राइमेटा में आ गए हैं, ठीक है, क्योंकि इनमें सब में आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है। चलो अब आपका बात बताया गया है कि कार्निवोरा, ठीक है, के साथ में आपके क्या क्या आते हैं, टाइगर, कैट, मैमल्स, ओके यू विल रीड इट, इट्स वेरी इजी। फाइलम, फाइलम में क्या बताया गया है, जैसे फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, ये सारे एक हायर कैटेगरी बनाते हैं जिसको हम फाइमल्स, फाइलम बोलते हैं। इनमें देखो बहुत कम बेटा कॉमन कैरेक्टर्स मिलेंगे, कहाँ मछली, कहाँ आपके मेंढक, कहाँ पे सांप, कहाँ पे चिड़िया, कहाँ पे हम इंसान, है ना, कितना अंतर है, मतलब बहुत ज़्यादा डिसिमिलरिटीज़ हैं, लेकिन फिर भी हमको एक फाइलम में रखा गया है, क्यों, क्योंकि हमें एक फीचर कॉमन मिला है, ऐसे एक दो और है, नॉट ओनली वन बट मेनली देयर इज वन कॉमन फीचर, कौन सा, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड क्या है, आपके एक हॉलो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, जो कि जैसे हमारे में बेटा जो बैकबोन बनती है ना लास्ट में, हमारी जो बैकबोन है ये अल्टीमेटली आपकी नोटोकॉर्ड से ही आई है, ठीक है, हमारी हमारी जो बैकबोन है वो नोटोकॉर्ड से ही आई है, लेकिन किसी किसी जब हम बहुत छोटे थे, जब आप अपने आप को
जब आप अपने आप को, जब आप बहुत छोटे थे ना, इतने नन्हे मुन्ने बच्चे थे, जब आप एकदम कितने छोटे थे बोल दो, हम क्या बताएं कितने छोटे थे, जब आपका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा था, तो आपका जो नोटोकॉर्ड था वो एकदम सिमिलर था, है ना, एकदम सिमिलर था जैसे कि मेंढक का होता है, जैसे कि बर्ड्स का होता है. इट इज़ वेरी 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 सिमिलर. ठीक है, रुक जाओ, लैग है भयंकर वाला. वाह भाई, अब इनको भी इजी इसी वक्त करनी थी. हेलो जमीला, हेलो जमीला, कोई लैग नहीं है, तुम लोग क्या मुझे डरा देते हो. लैग नहीं था, वो हम एक बच्चे को ब्लॉक कर रहे थे तो थोड़ा हम शांति से आ गए थे. चलिए, हाँ, हम क्या बात कर रहे थे, हम ये बात कर रहे थे कि आपको एनिमल किंगडम, आप एक बार एक काम करना, वंस यू आर डन विद एनिमल किंगडम प्लांट किंगडम, ये लेक्चर को उठा के फिर से देख लेना. ठीक है, हाँ, बफरिंग वफरिंग कुछ नहीं हो रही, अपने अपने नेटवर्क ठीक करो. मैंने तुम लोग के लिए इसी वजह से मैकबुक में क्लासेस लेना शुरू कर दी है ना, बाकी मुझे ये लैपटॉप पे हम अपना काम करते थे, बट अभी इसके पास मैंने कैमरा वैमरा सेट करके टेबल पे सेट कर दिया है, अब इसको हम यूज़ भी नहीं कर पाते अपार्ट फ्रॉम टेकिंग क्लास एंड सो इतना इतना सेक्रीफाइस करते रहते तुम्हारे लिए, और तुम लोग अब मुझे बाकी का काम अपने डिब्बा से करना पड़ता है जो कि डेल है. ओके, नेक्स्ट वी मूव टू किंगडम. किंगडम में क्या बोला गया है कि अलग अलग फाइलम, ऑब्वियस सी बात है ना, उनको हम एक किंगडम में डाल देंगे. वही हर एक बात को बेटा रिपीट की गई है. ठीक है, किंगडम प्लांटे और किंगडम एनिमिलिया दो अलग अलग चीज़ें हैं. जितने भी प्लांट वाले फीचर्स हैं सारे के सारे को हमने उठा के किंगडम प्लांटे में डाल दिया. ठीक है, इन टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम हैव बी शोन इन असेंडिंग ऑर्डर एंड स्टार्टिंग विद स्पीसीज. यहाँ पे बोला गया है कि हाँ ऑफकोर्स हमने देखा है किंगडम से लेके स्पीसीज तक हमने असेंडिंग ऑर्डर में देखा है, क्योंकि सबसे नीचे सबसे छोटा लिखा है, फिर बढ़ते 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 लिखा है. ठीक है, टैक्सोनॉमिस्ट ने अब यहाँ पे क्या बात बोला गया, यहाँ पे बोला गया है कि बेटा ऐसा नहीं कि सिर्फ यही सात कैटेगरीज हैं. ठीक है, कभी कभी हमको इनके इनके बीच में भी कैटेगरीज डालनी पड़ती है. फॉर एग्जाम्पल, फैमिली, फैमिली के पहले सब फैमिली. ठीक है, सुपर क्लास के बाद सुपर क्लास, ऐसे से करके बीच बीच में क्या क्या आती हैं, सब कैटेगरीज भी आती हैं. वही यहाँ पे बताई गई है कि बीच बीच में बहुत सारी आपको सब कैटेगरीज भी मिलेंगी. ठीक है, कि जिससे और प्रॉपर आपका क्लासिफिकेशन हो सके. ये वही बात हो गई ना कि जैसे किसी क्लास में आप देखते हो कि और क्लासिफिकेशन होता है स्कूल में, कौन सा, हाउस के बेसिस पे, ग्रीन हाउस, रेड हाउस, येलो हाउस. ठीक है, होता है ना, तो वही चीज़ यहाँ पे बात की गई कि इसके अलावा भी कई तरीके के आपको क्लासिफिकेशन देखने मिलेंगे. अब यहाँ पे बोला गया है कि 1.1 को देखो और आप याद करो कि आपको आपको याद आ रहा है. हाँ, एकदम हमको याद आ रहा है. ठीक है, द नंबर ऑफ कॉमन, अब देखो यहाँ पे बोला जा रहा है द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर. यही सेम बात को कितनी बार रिपीट करेगा भाई, गोज ऑन डिक्रीजिंग, नीचे से ऊपर बढ़ते हुए कॉमन कैरेक्टर कम होते जाएंगे. लोअर टैक्सॉन मोर आर कैरेक्टरिस्टिक्स देन द मेंबर ऑफ द टैक्सॉन शेयर. ओके, सो यहाँ पे एक एग्जाम्पल आपको दिया गया है. क्या एग्जाम्पल दिया गया है, ये टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भूल के नहीं जाना. इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपने कहीं कुछ नहीं किया होगा. ठीक है, ज़िंदगी में बोल दो, वाह मैम क्या बात बता रहे हो. देखो, याद करना बहुत आसान है, कुछ कुछ चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी बस. मैन सबको पता है, होमो सैपियंस, होमो जीनस आ जाएगा पहला, सैपियंस आपका आ जाएगा इसकी स्पीसीज. ठीक है, होमो से रिलेटेड ही बेटा लास्ट में ई लगा दो, फैमिली हो जाएगा. मैंने क्या बोला था, अगर प्लांट है तो एसी लगा दो, एनिमल की अगर हम बात कर रहे हैं एनिमल किंगडम का, तो डी ए ई लगा दो, हो गई फैमिली, है ना, होमोनिडी. अब देखो हमारे सबके पास बेटा बैकबोन है, कॉर्डेटा है ऑफकोर्स, सो हम इसमें आ जाते हैं कॉर्डेटा में. हमारे पास मैमल्स, हम लोग मैमल्स में आते हैं, सबको पता होना चाहिए क्योंकि हमारे पास ह्यूमंस में मेमोरी ग्लैंड होती है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, होती सब में है, मेल में एक्टिव नहीं होती, फीमेल में एक्टिव होती है. सो क्लास कौन सा होगा, मैमेलिया. ऑर्डर प्राइमेटा, क्यों, क्योंकि हमारे पे मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है फीमेल में, सबको पता है पीरियड्स आते हैं, तो ये भी याद करना बहुत मुश्किल टास्क नहीं है, ये तो याद ही नहीं करना होता है. हाउस फ्लाई में म्यूसिका डोमेस्टिका, म्यूसिका जीनस नेम, डोमेस्टिका स्पीसीज नेम.
म्यूसिका के आगे ई लगा दो, म्यूसिके डेसी, फैमिली याद करने की दिक्कत ही नहीं है। उसके बाद आपका, आपको पता है कि मक्खी क्या है यार, एक कीड़ा है, तो इंसेक्टा में आ गया। और इंसेक्टा आप सबको पता है कि जिसके जॉइंट अपेंडेज होते हैं वो किस में आता है, आर्थ्रोपोडा में आता है। और अगर नहीं भी याद होगा तो एनिमल किंगडम करते करते ये सारी चीज़ें इतनी कॉमन लगेगी कि जैसे अभी आपको नाम लग रहा है, ठीक है, आर्थ्रोपोडा में इंसेक्ट्स आते हैं, एवरीथिंग इज़ वेरी इजी। आपको याद क्या करना पड़ेगा, ऑर्डर डिप्टेरा, ठीक है। और ये भी कैसे याद रखोगे कि हाँ, जैसे मान लो क्या था क्या था क्या था, सो जैसे आप देखते हो हाउस फ्लाई, हाउस फ्लाई कहीं पर भी गोते मारते रहते हैं, डिप करते रहते हैं, कहीं पे भी खाना हो, है ना, या फिर गंदी चीज़ हो, बस बैठ जाएंगे उसके ऊपर आराम से, मैं तेरा आराम से गोते मारते हुए करने लगते हैं। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट और हाउस फ्लाई कहीं भी डिप करेगी, ऑर्डर, ऑर्डर में याद रखना ना, डिप्टेरा। मैंगो, मैग्नीफेरा इंडिका, मैग्नीफेरा जीनस, इंडिका फैमिली, ठीक है। आपका किंगडम कौन सा आ जाएगा, सॉरी किंगडम नहीं होगा, किंगडम इसका प्लांट किंगडम आएगा, और ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा फाइलम आ जाएगा, एंजियोस्पर्मी। क्यों? क्योंकि सबने देखा है कि यार आम में पेड़ लगते हैं, फ्लावर लगते हैं, और जिन भी प्लांट्स में फ्लावर लगते हैं वो सारे के सारे एंजियोस्पर्म होते हैं। और एंजियोस्पर्मिक प्लांट का जो फाइलम होता है उसका नाम एंजियोस्पर्मी होता है, सिर्फ लास्ट में ए लगना है, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज़ देखो, एनिमल्स के केस में आप देखोगे ए लास्ट में लिखेगा, ऑर्थोपोडा, कॉर्डेटा, प्लांट्स के केस में आपको ए ई दिखेगा डिवीज़न में। जैसे फैमिली में आप देखते थे, फैमिली में देखो ए सी दिखेगा प्लांट्स के केस में, एनिमल्स के केस में आपको डी ए ई दिखेगा एंड में। ये सब कुछ पहचानने का तरीका है। और डिवीज़न में देख रहे हो, सब में ए दिखेगा, कॉर्डेटा, ऑर्थोपोडा, और इसमें ए ई दिखेगा, ठीक है। हाँ, आप देखो, दूसरा बात है, आप सबने कभी आम तोड़ा है, आम खाया है, उसके ऊपर गुठली जो होती है बेटा, उसको दो पार्ट में आराम से आप ब्रेक कर सकते हो। सो डाइकोटिलेडनी, स्पेंडेल्स आपको याद करना पड़ेगा, और एरिकिडेसी आपको याद करना पड़ेगा। ट्रिटिकम एस्टिवम में ट्रिटिकम जीनस, एस्टिवम आपका जीनस। पोईसी याद रखना, चावल का पोहा बनता है, चावल से रिलेटेड गेहूं, तो याद रख लेना आपका पोईसी, पोएल्स उसे याद कर लेना। और इन वीट यू कांट ब्रेक इट इनटू टू कॉटिलेडन, दैट्स व्हाई इट इज मोनोकॉटिलेडनी। इसमें भी फ्लावर आते हैं, ये भी आ गया आपका एंजियोस्पर्मी, ठीक है। ये टेबल इंपॉर्टेंट है, याद करना, कल इसी में से क्वेश्चन पूछेंगे 9:15 पे। नाउ कमिंग टू टैक्सोनॉमिक एड्स, टैक्सोनॉमिक एड्स वो सारी चीज़ें होंगी जो हमारे टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन में हेल्प करेंगी, ठीक है, जो हमारे टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन में हेल्प करें वो सारी हमारे टैक्सोनॉमिक एड्स हो गए। अब यहाँ पे बात बोला गया है कि एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म, जैसे कि जिन्हें हम एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, वो सारे के सारे को हम सेव करके रख लेते हैं, जिससे बाद में उनसे पढ़ाई कर सकें, ठीक है। ये रीड कर लोगे क्या तुम लोग? ये बहुत इजी है, इसमें कुछ नहीं, बस कहानी बताई गया है, हो जाएगा। हाँ, ये तुम लोग रीड कर लोगे, नहीं हाँ या ना? टाइम हो गया यार, कौन सा टाइम है, टाइम क्या है, टाइम मेरा है कि मतलब यहाँ पे टाइम किसका है, मेरा टाइम है, जब चाहेंगे तब ख़त्म करेंगे, नहीं मन करेगा शाम तक पढ़ाएंगे, इधर अपना इलाका है। हाँ, इधर वार्निंग भी नहीं आती यूट्यूब पे कि टाइम ओवर होना है, क्या बात कर रहे हो, जब ख़त्म कर दें तब क्लास ख़त्म है, जब ना करें तब नहीं ख़त्म है। सो थोड़ा सा है, क्यों जल्दबाजी करना है, लास्ट वाले पोर्शन में बाद में प्रॉब्लम होगा। अगर आपको कहीं की जल्दी है सो यू कैन लीव द क्लास, बाद में रिकॉर्डिंग देख लेना। लेकिन तुम लोग ऐसे अगर ख़त्म हो गया करोगे, क्विज़ करना है, ठीक है, हम क्विज़ स्टार्ट कर दे रहे हैं, जिसको जाना है क्विज़ देख लो। नहीं, क्विज़ नहीं स्टार्ट करते यार, क्विज़ ले लेंगे यार, चलो एक काम करते हैं, क्विज़ शाम में ले लेते हैं, आज की क्विज़ ना 6 बजे ले लेते हैं, 6 PM, ठीक है, डन। तब तक एक बार इसको रीड भी कर लो, आज की क्विज़ 6 बजे ले लेंगे, जिससे तुम लोग क्विज़ है इसके जल्दबाजी में ध्यान से सुनो। एक और सेशन रख दो, नहीं बेटा एक और सेशन नहीं रखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी बन चुकी है और हमारी टीम बड़ा परेशान हो जाएगी, बोलेंगे मैम क्या क्या करते रहते हो आप, ठीक है। हार्बेरियम आ जाते हैं, हार्बेरियम क्या है, एक स्टोर हाउस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, प्लांट को पकड़ते हैं, लेके आएंगे, उसको सुखा देंगे, प्रेस करेंगे और प्रिजर्व करके शीट की फॉर्म में बना देंगे। ये हो गई शीट, सीट में यहाँ पे मेन प्लांट होगा, प्लांट स्पेसिमेन,
यहाँ पे लेबल लगा होगा, इस लेबल पे क्या होगा, डेट होगा, कौन सी डेट को कलेक्ट किया गया है, कलेक्टर का नेम होगा, किसने कलेक्ट किया है, ठीक है, प्लेस होगा, कहाँ से कलेक्ट किया गया है, और आपका बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कभी कभी उसका कॉमन नेम भी होता है, ठीक है, ये सारी मेन चीज़ें होती हैं जो इस लेबल पे लगी होती हैं। और ये चीज़ मत भूलना, ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व, ये तीन इसके मेन पिलर होते हैं। आप लाओगे, ऐसा नहीं कि धूप में सुखा लोगे, सुखाने के लिए आप क्या करोगे, पेपर के बीच में इसको रख के ऊपर से कई बार कॉपी रखोगे, बार बार पेपर बदलोगे, ठीक है। हार्बेरियम क्या है, एक स्टोर हाउस है जिसमें ये देखो ऐसे ऐसे करके बहुत सारे हार्बेरियम शीट एक फाइल में करके लगी होती हैं, ठीक है, और वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग होती हैं, अरेंज होती हैं। अब इसमें क्या होता है, यही बोला गया है कि बहुत सारी इसको हम लोग क्या करते हैं, उठा के स्टोर हाउस में रख देते हैं जिससे कि बाद में कोई रिसर्च कर सके। फॉर एग्जांपल आज मैंने जो हार्बेरियम शीट बनाई है वो हम ले जाके स्टोर हाउस में रख देंगे कि मान लो कल को हमारी क्लास से कोई ग्रेट बॉटनिस्ट निकले तो वो जाके अच्छा निकिता मैम ने यहाँ तक काम किया था, मैं इसके आगे का कर देता हूँ, ठीक है। हार्बेरियम शीट पे बोला गया लेबल है, लेबल में क्या है, डेट है, प्लेस है, कलेक्शन का नेम है, इंग्लिश है, लोकल और बोटेनिकल नेम है, और किसने कलेक्ट किया, वही जो हमने बताया। हार्बेरिया क्या है, एक क्विक रेफरल सिस्टम है, इट इज़ अ क्विक रेफरल सिस्टम, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट इट डाउन। और यहाँ से कुछ कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आते हैं। एक्स्ट्रा क्वेश्चन कैसे आते हैं कि जैसे आपकी, अच्छा यहाँ पे एग्जाम्पल कैसे नहीं दिया यार, यहाँ पे एग्जाम्पल देना चाहिए हार्बेरियम का, ठीक है, याद रख लेना आप लोग, ओके लेट्स लीव। चलो बोटैनिकल गार्डन, बोटैनिकल गार्डन क्या होते हैं, लिविंग प्लांट के लिए रेफरल्स होते हैं, ठीक है, इसमें ड्राइड थे, इसमें लिविंग प्लांट होंगे। बोटैनिकल गार्डन में क्या होगा कि मान लो कोई प्लांट कहीं पे बेटा इंडेंजर्ड स्पीसीज में है तो उसको ला के हम एक प्रॉपर गार्डन में लगा देते हैं। बोटैनिकल गार्डन एक तरीके का एक्सीटू कंजर्वेशन है। व्हाट इज एक्सीटू कंजर्वेशन, फॉर एग्जांपल अगर हमने, आप खतरे में हो, आपके ही बाहर, आपके घर के बाहर मैंने चौकीदार लगा दिया तो इनसीटू कंजर्वेशन हो गया, लेकिन आपको मैंने उठवा के अपने घर बुला लिया कि आ जाओ बेटा हमारे घर में ज़्यादा सेफ्टी है, ये हो गया एक्सीटू कंजर्वेशन। उसी तरीके से प्लांट से किसी भी स्पीसीज के साथ, ओके, प्लांट की स्पीसीज जो हैं वो आपके, हाँ इसमें सिर्फ प्लांट होंगे, बोटैनिका बॉट वर्ड है, कंफ्यूज मत होना, इट्स ओनली फॉर प्लांट्स। एग्जांपल नहीं भूलना, इंग्लैंड लार्जेस्ट है, फिर आपका इंडियन बोटैनिकल गार्डन हावड़ा में है, नेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है, ठीक है, इंडियन बोटैनिकल गार्डन में हार्बेरियम भी है, क्यू में भी हार्बेरियम है, इन सारे बोटैनिकल गार्डन के अंदर एक बिल्डिंग बनी है जिसमें स्टोर हाउस है जो हार्बेरियम है। म्यूजियम, म्यूजियम में तीन चीज़ें आती हैं, आपका प्लांट्स भी होता है याद रखना, एनिमल्स भी होता है, दोनों चीज़ें होता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें अगर मान लो कोई स्पेसिमेन है तो जनरली छोटे छोटे एनिमल्स को हम जार में बंद करके रख देते हैं, आपने देखा होगा यार आपकी लैब में भी होगा, ठीक है। और इंसेक्ट्स को क्या करते हैं, इंसेक्ट को प्रिजर्व करते हैं इंसेक्ट बॉक्स में। कैसे प्रिजर्व करते हैं, तीन स्टेप होता है, कलेक्टिंग, पिनिंग एंड किलिंग एंड पिनिंग। फॉर एग्जांपल अभी तुम्हारे सामने से कुछ घूम रहा है इंसेक्ट, तुम देखोगे अरे वाह इतना अच्छा इंसेक्ट है, कोई नया सा एकदम मस्त रंगीन तरीके से दिखेगा, सबसे पहले हाथ पकड़ के उसको मारोगे, पकड़ोगे, ठीक है, कलेक्ट करोगे, फिर किल करोगे। किल करने का मतलब ये नहीं कि पकड़ के चपटा दोगे, ठीक है, एकदम आराम से किलिंग, फिर पिनिंग। पिनिंग एक बॉक्स होगा और उसमें जैसे कॉकरोच चाहिए तो बेटा साइड साइड में दो तीन पिन लगा देते हैं जिससे ये अपनी प्लेस पे रहे, डिस्टॉर्ट ना हो। लार्जर एनिमल्स को क्या करते हैं, स्टफिंग की जाती है। स्टफिंग की क्या क्या है मतलब, स्टफिंग का मतलब ये कि बेटा उसके अंदर का जितना मसल्स वगैरह होगा सब निकाल लेंगे और उसके बाद उसके अंदर में कॉटन भर देंगे, ठीक है, कि जिससे, क्योंकि मसल्स वगैरह रखकर रखकर ख़राब हो जाएगा। और इसमें स्केलेटन सिस्टम भी होते हैं। सो रिविजन की प्रॉपर रिवाइजिंग, टैक्सोनॉमिक एड्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इट कम्स इन ईच एंड एवरी एग्जाम। जूलॉजिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क्स क्या है, इसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ एनिमल रखते हैं, यहाँ पे जिंदा एनिमल रखे जाते हैं। इसका फ़ायदा क्या होता है, हम इनके हैबिटेट्स के बारे में जान लेते हैं, फूड बिहेवियर के बारे में, ठीक है। और यहाँ पे कई सारे जू दिए हैं, बच्चे पसंद करते हैं, अरे वाह क्या बात बताया है, सच में पसंद करते हैं तुम लोग, ये देखो से हाय, एवरी वन से हाय, ये लोग क्या बातें कर रहे हैं, किसी को पता है क्या, एवरी वन नोज, हाँ पढ़ाई नहीं कर रहे आजकल के बच्चे, देख रहे हो कैसे कैसे बदमाश हो गए हैं। नेक्स्ट वी कम टू की। की क्या एक अदर टैक्सोनॉमिक एड है जो कि आइडेंटिफिकेशन में काम आती है प्लांट्स एनिमल्स दोनों के, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लांट्स एनिमल्स दोनों के काम आती है। किसके बेसिस पे, सिमिलरिटीज और डिससिमिलरिटीज के बेसिस पे। कीज किस पे बेस्ड होते हैं, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के बेसिस पे, जिन्हें हम कपलेट बोलते हैं। ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, जिनके बीच में जो चॉइसेस हम लोग मेट करते हैं, रिजल्ट इज एक्सेप्टेबल, ओके। ईच स्टेटमेंट, हर एक स्टेटमेंट जो की का होता है उसे हम लीड बोलते हैं,
बोलते मैम क्या है ये, कुछ नहीं समझ आया। और हर एक कैटेगरी के लिए अलग अलग टैक्सोनॉमी की यूज़ होती है, ठीक है। जैसे एक जीनस के लिए अलग, फैमिली के अलग, इसके अलग, आइडेंटिफिकेशन के अलग, की जो है जर्नल एनेटिकल इन नेचर है। बोलते मैम सब हवा हो गया। देखो बस दो तीन चीज़ें समझो, की जो होती है प्लांट्स एनिमल्स दोनों के लिए होती है। की बेटा एक बुक की तरीके से होती है, ऐसा नहीं कोई चाबी होती है कि आप खोलोगे हाँ ये तो एनिमल निकला, नहीं, की इज़ अ बुक, ठीक है। बस ये समझो कि जैसे CID देगा, CID है ना, की में दो चीज़ें होती हैं, एक बुक में दो स्टेटमेंट लिखा होता है। फॉर एग्जाम्पल लिखा होता है पहला स्टेटमेंट फ्लावर कलर येलो, आगे में पेज नंबर 2 लिखा होगा, नीचे में लिखा होगा फ्लावर कलर वाइट, डेट डेट डेट, मतलब कि आप इसी पेज पर रह सकते हो। सो ये दोनों क्या है, दोनों अलग अलग करेक्टर है। एक में है कि बेटा पीला या सफ़ेद, ये क्या हो गए, ये कंट्रास्टिंग करेक्टर हो गए। इन्हीं को हमने क्या बोल दिया, कपलेट बोल दिया, ठीक है। मतलब कि ये समझो कि इसमें हम क्या करते हैं, CID की तरीके से काम करते हैं। जैसे याद है CID, अगर किसी ने देखा हो, नहीं तो कोई भी आपने देखा हो, एक मेन होता है, मेन CID होता है, मेन जो हेड होता है, वो क्या बोलता है, अच्छा दया बताओ इसके बाल लंबे थे या छोटे बाल थे, ठीक है। तो बाल लंबे थे या छोटे थे, ये क्या हो गए, कंट्रास्टिंग पेयर हो गए। इनको हमने क्या बोल दिया, कपलेट बोल दिया, ठीक है। वहाँ पे वो किससे पूछते थे, अपने असिस्टेंट से पूछते थे। यहाँ पे हमें रिफरेंस कहाँ से मिलेगा, बुक से मिलेगा। वो बुक क्या है, की है। अब देखो अब दया रिप्लाई करेगा, नहीं उसके बाल तो बड़े लंबे, बड़े घने, नेचुरल थे। तो वो जो स्टेटमेंट उसने चूज किया, उसके बेसिस पे जो हेड होगा वो क्या बोलेगा, अच्छा समझे दया, इसका मतलब वो औरत थी, मर्डरर, है ना। सो जो एक स्टेटमेंट उसने चूज किया, दैट इज लीड, दैट इज लीड। वही यहाँ पे बोला गया, ईच स्टेटमेंट एक लीड की तरीके से काम होती है ना। फिर उनके एकदम इमेजिन करो, फिर उनके हेड पूछते हैं, बोलते हैं हाँ हमें एक लीड मिल गई है। लीड मिलने का क्या मतलब है कि दैट फ्रॉम बोथ दी स्टेटमेंट्स हमने एक पेयर को, सिंगल पेयर आइडेंटिफाई किया, दैट इज आर लीड। अब उसके बेसिस पे हम आगे बढ़ेंगे। तो वही यहाँ पे होता है आपके सामने बेटा, आपको प्लांट्स दिया जाता है। जब आप ग्रेजुएशन वगैरह में जाओगे तो आपको ये लैब में आप खुद करने मिलेगा। प्लांट्स दे दिया जाता है, बुक दे दिया जाता है, ठीक है। बुक में आप पढ़ते हो फ्लावर कलर येलो, फ्लावर कलर वाइट। अगर आपको लगता है हाँ यार येलो कलर है, तो आप उस पेज का फिर कोई करेक्टर नहीं पढ़ते हो, ठीक है। और फिर आप चले जाते हो पेज नंबर 2 पे, क्योंकि आपको वाइट है ही नहीं है, ठीक है। फिर वहाँ पे ऐसे दो फीचर दिए रहते हैं, आगे में दो फीचर दिए रहते हैं कि फ्रूट आपका पियर शेप है या फिर नॉर्मल ओवल शेप है। फिर वहाँ पे ऐसे सिंबल दिए रहते हैं, कभी हैशटैग दिया था, कभी पेज नंबर 20 दिया था, पेज नंबर 30 दिया था। सो दैट इज़ हाउ यू कैन मूव इट आउट, इट्स वेरी 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 इजी, ठीक है। और सिंबल्स बड़े अतरंगे तरंगे होते हैं, ऐसे लिखा होता है, ऐसे बना होता है, ऐसे बना होता है, हमेशा पेज नंबर नहीं दिया होता है। फिर आपको सिंबल ढूंढना पड़ता है, भाई ये वाला सिंबल कहाँ पे है, फिर आप उसके आगे के फीचर्स पढ़ोगे। ऐसे से करके बड़ा मज़ा आता है, मतलब ये एक फन सेशन होता है। इफ़ यू डू इट, इट विल बी अमेजिंग, लेकिन बहुत ही टायरिंग भी होता है, बहुत हालत ख़राब होती है कि एक चीज़ देखना पड़ता है कि हाँ हेयर्स हैं स्टेम पे कि नहीं है, इसका सेक्शन कट करो, ओवरी करो, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते बढ़ते। अगर पता है अब ऑफ हो गया ना, तो बहुत लोचा हो जाएगा, क्योंकि एक एक टॉपिक के लिए हम नया नहीं ला पाएंगे, ठीक है। मैंने क्या बोला, देखो सिर्फ आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे दिखा दे रहे हैं, ये सारी फ्लोरा मैनुअल मोनोग्राफ कैटलॉग, ये सारी बेटा बुक होती हैं, ठीक है, ये सारी बुक होती हैं। जैसे फ्लोरा यहीं पे हम आपके लिए बना दे रहे हैं, आप यहीं से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। सो जस्ट वी आर अबाउट टू फिनिश दिस, बेटा अभी मेरे पास बहुत काम है, ठीक है। तुम लोग के पास अभी, तुम लोग क्लास नहीं ले पा रहे हो, अभी जस्ट हम ये सेशन फिनिश करेंगे, देन आई हैव अनदर सेशन, और ब्रेकफास्ट भी करना है। सो तुम लोग नहीं क्लास कर पाते हो, समझ नहीं आता है मुझे कि तुम्हें ज़्यादा है या मुझे ज़्यादा पड़ी है। ओके, सो मैंने क्या बताया, चार चीज़ें हैं, फ्लोरा मैनुअल मोनोग्राफ कैटलॉग, ये अपनी बुक हो गई, जो हो गई मैनुअल। दूसरी एक बुक होगी बेटा, ये सारी बुक्स होती हैं बस। हाय क्या है यार ये, मत कर मत कर, कितने भी तू कर ले सितम, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव फ्लोरा, नेक्स्ट बुक, ये बुक है हाँ, मैंने ऐसे बुक बनाई है। नेक्स्ट वी हैव कैटलॉग, कैटलॉग स्पेलिंग देख लेना। नेक्स्ट बुक वी हैव, ये बुक है मोनोग्राफी, मोनोग्राफ,
ये सब क्या है, ये सारी की सारी बेटा बुक्स हैं और कुछ नहीं है। सबसे पहला पॉइंट ध्यान से समझना, कैटलॉग। लेट्स स्टार्ट विद कैटलॉग। कैटलॉग में क्या होता है, कैटलॉग में आपके अल्फाबेटिकली अरेंज्ड, ध्यान से सुनो, इससे अच्छे से कहीं नहीं क्लियर होगा, अरेंज्ड लिस्ट होती है प्लांट्स की इन अ स्पेसिफिक एरिया ऑफ एन एरिया। मतलब कि अगर इस वक्त हम लखनऊ में बैठे हैं, ठीक है, लखनऊ की गोमती नगर में बैठे हैं, सो कैटलॉग में क्या होगा कि एक कैटलॉग, एक बुक होगी जिसमें लिखा होगा कि गोमती नगर में कितने प्लांट्स पाए जाते हैं और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज होंगे, ठीक है, कि ये हो गई कैटलॉग। फ्लोरा में क्या होगा, फ्लोरा में भी सिर्फ नेम होगा, है ना, नेम की डिस्ट्रीब्यूशन एंड हैबिटेट ऑफ प्लांट, बट ओनली ऑफ पर्टिकुलर एरिया, अगेन ऑफ पर्टिकुलर एरिया, ऑफ पर्टिकुलर एरिया, ठीक है। मैनुअल की अगर हम बात करें तो मैनुअल क्या होगा, मैनुअल में डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन होगा प्लांट्स का, ठीक है, अगेन ऑफ पर्टिकुलर एरिया, वाह मैम, सब एरिया रिस्ट्रिक्टेड, देख रहे हो, ये तीन के तीनों एरिया रिस्ट्रिक्टेड, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं मोनोग्राफ पे, मोनोग्राफ में डिटेल डिस्क्रिप्शन होगा ऑफ अ टैक्सॉन, ऑफ अ टैक्सॉन। चलो लेट्स टेक अ एग्जांपल नाउ, दो मिनट में समझ आ जाएगा। साबिता, ठीक है, साबिता और हम बैठे हैं, नहीं, साबिता और रजुल बैठे हैं, दो के दोनों ऐसे बैठे हुए हैं। अब ये एक प्लांट लेके आए, ठीक, एक प्लांट लेके आए, कोई भी प्लांट इन्होंने देखा, फॉर एग्जांपल ब्रिंजल देख लिया, ठीक है। अब ये ब्रिंजल कहीं से किसी सिटी से लेके आए हैं, अब इनको हुआ कि यार हम लोग बैठे हैं दिल्ली में, सो इनके मन में ख्याल आया, साबिता ने पूछा, यार रजुल दिल्ली में ये ब्रिंजल मिलता है कि नहीं मिलता है, ठीक है। सो रजुल क्या करेगा, सबसे पहले उठा के कैटलॉग ढूंढेगा, कैटलॉग उठाएगा, कहाँ की कैटलॉग उठाएगा, दिल्ली की, क्योंकि हर एक एरिया की बेटा कैटलॉग अलग होती है। जैसे दिल्ली की एक है जेके महेश्वरी ने दी है, जेके महेश्वरी की ध्रुव बहुत अच्छी एक कैटलॉग है, सो वहाँ पे देखेगा ए बी 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 ब्रिंजल, बोलेगा हाँ यार दिल्ली में तो है। सो कैटलॉग किस में काम आता है, बस ये पता करने में कि ये वाला प्लांट इस एरिया में है या नहीं है, ठीक है। फिर उसने बोला कि अच्छा दिल्ली में कहाँ कहाँ पे है, उसके लिए कहाँ पे जाएगा, फ्लोरा में। फ्लोरा में क्या होगा, फ्लोरा भी एक एरिया की होती है, फ्लोरा ऑफ दिल्ली ऐसे लिखा होगा, फ्लोरा ऑफ दिल्ली, ये उस बुक में ढूंढेगा। अच्छा ब्रिंजल, ब्रिंजल ये जो है आपके सरिता विहार में पाया जाता है, या आपके जो है मतलब दो तीन एरिया में बता देगा कि यहाँ 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 पाया जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन उसका पूरे दिल्ली में कहाँ कहाँ पे वो प्लांट है, सारी इन्फॉर्मेशन फ्लोरा में होगी। और उसका हैबिटेट कैसा, हैबिटेट मतलब कि श्रब है या हर्ब है, मतलब बड़ा पेड़ है वो या छोटा पेड़ है, या फिर जो है आपका ग्रास है, मतलब ऐसे हर्ब शर्ब या ट्री है, ये आपको पता चल गया फ्लोरा से, बट अगेन ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया, ठीक है। अब उसने बोला यार इतने में नहीं समझ आया है ना, मेरे को थोड़ा और जानना है इस प्लांट के बारे में, सो कहाँ पे जाएगा, मैनुअल पे जाएगा, क्या खोलेगा, वो खोलेगा मैनुअल ऑफ दिल्ली, ठीक है, उठाएगा, उसमें उसको पूरी डिस्क्रिप्शन बोलेगा, लो महारानी जी पढ़ो, है ना, ये देखो ऐसा होता है, इसके फल ऐसे होते हैं, उस बुक में ये भी लिखा रहेगा कि बैंगन का भरता बनता है, लिट्टी बाटी चोखा के साथ खाते हैं, उसके कॉमन यूजेस में लिखे रहेंगे, डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन यू विल गेट इन मैनुअल, ठीक है। फिर इसको इसके मन में ख्याल आया, वहाँ पे कहीं लिखा हुआ था डिटेल डिस्क्रिप्शन में सोलेनेसी फैमिली, ठीक है, या फिर सोलेनम, अब ये और क्यूरियस हो गई, बोल रही है अब मेरे को ये जानना है कि पूरे दुनिया में सोलेनम में कितनी स्पीसीज है, मतलब मुझे सोलेनम के बारे में अब सब जानना है। फिर इसकी तो बैंड बजी,
फिर ये शुरू करेगा मोनोग्राफ, बोलेगा लो पढ़ो। उसमें कोई भी एक टैक्सॉन, एक टैक्सॉन का मतलब हो सकता है वो टैक्सॉन एक जीनस हो सकता है वो एक स्पीसीज हो। बोल दो मैम, टैक्सॉन तो किंगडम भी हो सकता है, टैक्सॉन तो फाइलम भी हो सकता है, टैक्सॉन तो ऑर्डर भी हो सकता है ना। लेकिन अगर जरा सोचो कि पूरी दुनिया में कितने सारे प्लांट्स हैं, पूरी दुनिया में कितने सारे प्लांट हैं, सो इट्स नॉट पॉसिबल कि बुक कितनी बड़ी हो जाएगी किसी एक किंगडम का टैक्सॉन मोनोग्राफ हो। सो मोनोग्राफ एक टैक्सॉन को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन अभी तक इतने हायर लेवल ऑफ टैक्सॉन का मोनोग्राफ नहीं आया है। मतलब हमारे पास जीनस, स्पीसीज या फिर एकाध की फैमिली प्रेजेंट है बस, है ना। फाइलम, किंगडम, इसकी सबका कोई मोनोग्राफ नहीं प्रेजेंट है, क्योंकि कोई भी एक फाइलम उठा लोगे ना तो आपको उसमें इतने प्लांट्स हैं कि शायद आपका पूरा दो लाइब्रेरी भर जाएगी डिस्क्रिप्शन में उसके, ठीक है। सो दैट्स ऑल। अब मान लो अगर आप कोई अननोन प्लांट ला रहे हो जिसको आपको मैच करना है कि ये इसी की तरीके से है या नहीं है, उसका नेम रखना है कि आपको उसका आपको फॉर एग्जाम्पल फैमिली तो पता है, जीनस तो पता है, बट स्पीसीज क्या है नहीं पता है, तो उसके लिए क्या करोगे, आप की वाली बुक उठा लोगे, है ना। फिर आप उसके मेन फीचर्स देख लोगे, उसका हर्ब कैसा है, लीव का शेप कैसा है, क्या क्या चीज़ें कैसी है, धीरे धीरे कपलेट लीड के बेसिस पे जाते 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 आपको उस प्लांट के स्पीसीज का नेम भी मिल जाएगा, ठीक है। सो आई होप दैट्स क्लियर नाउ। एनी डाउट, देयर शुडंट बी। पता है आज लेक्चर थोड़ा लंबा एक्सटेंड हो गया, आई नो दैट, बट यू वुड लव इट, मुझे पता है। ये आप लोग जो है क्या करोगे, इसका रिकॉर्डिंग देख लेना, सो यू विल बी एबल टू डू दिस, एंड दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट सेशन आई हैव एवर मेड। सो बहुत ही अमेजिंग है, बिकॉज आई कैन फील इट। आप इसको जब चाहो तब यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है। और पूरे लेक्चर को दोबारा देखो, कल 9:15 पे टेस्ट है, 9:15 पे टेस्ट है, और आप आ जाना। जो भी डाउट है प्लीज़ यहाँ पे लेना। अच्छा ठीक, क्विज ले लें, ठीक है, क्विज ले लें। हाँ हम लोग क्विज लेते हैं, कहाँ पे ले लेते हैं, ये रहा। और जो भी बच्चे हैं जिनको प्रॉपर नोट्स के साथ बेटा पढ़ना है अनअकैडमी पे, 1000 फीस है, ठीक है, सो डू ज्वाइन अस ओवर देयर। और क्लास ट्वेल्थ आपका क्विज है 9:15 पे, क्लास ट्वेल्थ यू हैव अ क्विज एट 9:15 पे, एंड लेट्स डू दिस। वी हैव अ लिविंग वर्ड का क्विज अगेन, आज देखते हैं कौन जीतता है। 20 क्वेश्चंस दे रहे हैं, टाइमिंग इज 40 सेकेंड कर दे रहे हैं, जिससे आप क्वेश्चंस प्रॉपरली पढ़ सको, ठीक है। एंड हियर वी हैव क्विज, जरा एक बार इन्फॉर्म कर दो ग्रुप में कि मैम टेस्ट ले रही है, और जस्ट इन्फॉर्म इन ग्रुप, एवरी ग्रुप में इन्फॉर्म कर दो क्विज है अभी फटाफट से, क्योंकि मैंने बोला था शाम में लेंगे, फिर मुझे याद आया शाम में तो हमारी क्लास है, ठीक है। सो क्विज का कोड कितना है, आज के क्विज का कोड है आपका 4673353, कमेंट सेक्शन में लिख दो 4673353, 4673353 इज द क्विज कोड। एंड एनीवन हु इज ज्वाइनिंग न्यू, प्लीज डू यूज कोड निगिता लाइव, इट इज फ्री, आप इससे फ्री क्विज ज्वाइन कर सकते हो। अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल करो, टेस्ट वाले सेक्शन पे जाओ, सी ऑल पे जाना, डू नॉट क्लिक ऑन दिस क्विज, अदरवाइज यू जस्ट, ठीक है, देन यू विल गेट, नहीं तो आप किसी और क्विज में पहुंच जाएंगे। एंड देन यूज दिस कोड 4673353, ठीक है, फटाफट से यूज करो और इसे ज्वाइन करो, क्विज को ज्वाइन करो। बाकी जो भी हैं बच्चे ट्वेल्थ वाले, अनअकैडमी पे आ जाए, स्पेशल क्लास पे फ्री सेशन है, ठीक है। और नहीं तो इलेवंथ वाले भी आ जाएं, एक काम करो, इलेवंथ वाले बच्चों जिन्होंने स्पेशल क्लास पे क्विज नहीं दिया ना, आके एटलीस्ट एक बार देख लो कि क्विज कैसे होता है, ठीक है, और आके एक बार देख लोगे तो सही रहेगा। हाँ, जिससे, क्योंकि कल आपका टेस्ट है, कल आपका जो आज मैंने पढ़ा इसी का टेस्ट है। कोड है 4673353, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें दी हैं, वीकली टेस्ट भी चल रहे हैं अनअकैडमी प्लस पे, ठीक है। देखो एक चीज़ आपको एक फैक्ट बता दें कि यूट्यूब क्लासेस हर जगह पे बहुत सारी क्लासेस होती हैं, लेकिन आप रेगुलरली पढ़ते नहीं हो। आपको बात बताएं कि प्लस वाले बच्चे कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत सारे, देर आर सो मेनी प्लस का बच्चा है, नहीं पीसी से नहीं होगा, टेस्ट से होगा, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो यहाँ पे सेशन नहीं ज्वाइन करेंगे तो उनको मैम डांटेगी, प्लस में डांटेगी कि यहाँ तुम्हारा एनसीईआरटी सीरीज नहीं हुआ, तुम्हारे मार्क्स इतने कम आए, ऐसे आए वैसे आए, है ना, हम बोल देते हैं। सो ये सारे कुछ बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं प्लस के, एक्चुअली जब आप प्लस पे आते हो तो, है ना, होमवर्क है कि मैम अभी हमने क्लास में मान लो नहीं लिखा, मैम पढ़ा रही है, सो आई विल आस्क देम कि सबमिट योर हैंड रिटन नोट्स इन द क्लास, सो दे कांट स्लीप व्हाइल आई एम टेकिंग द क्लास, ठीक है। बाकी उनको नोट्स मिलनी है, क्लासेस मिलनी है, 1000 रुपये फीस है बेटा, 24 महीने की फीस 1000 रुपये है,
1000 यहाँ आप एक सब्जेक्ट का देते हो, यहाँ पे हर सब्जेक्ट का मिल रहा है, घर पे बैठे क्लास हो रहा है, सेफ्टी है आपकी अपनी, आइकॉनिक में तो और अच्छा है, आपको हमारे पर्सनल मेंटर मिल रहे हैं। सो फटाफट से जाओ निकिता लाइव कोड यूज करो, 10% ऑफ लो। हाँ मेरे को नोट्स का पिक्स भेजना होता है, तो 59 बच्चे लोग ज्वाइन कर चुके हैं अभी और 60 बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं, बाकी आई थिंक ज्वाइन कर रहे हो, बाकी बच्चे सीख जाओ कैसे ज्वाइन करते हैं। पीसी से नहीं होगा, इट विल बी फ्रॉम फोन ओनली। तो चले टाटा बाय बाय, बिकॉज आई हैव सेशन आफ्टर 15 मिनट्स, और आ जाओ 12th में हाई बोल के चले जाना, ठीक है। और जिसके भी मैसेज कमेंट सेक्शन मैंने मिस किया हो, ठीक है, वो मुझे बता देना। और देखो मेरी एनर्जी लगातार बक कर रहे थे कि हमें दूसरा सेशन ना लेना पड़े, और हम बिल्कुल शॉर्ट में कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं करना चाहते थे कि हम सिर्फ रीड करके हटा दें। एनसीईआरटी रीडिंग का मतलब सिर्फ हम रीडिंग नहीं रखना चाहते थे, है ना। सो दैट्स वाई मैंने टॉपिक को अलग से पेज लेके थोड़ा समझाया आप लोग को। मेरा गला तो हालत ख़राब हो गया है, सो आप लोग अगर एक चीज़ हो सके तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि जब वीडियो अभी 1-2 घंटे बाद रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाएगी, सो आप इसका नीचे में कमेंट कर देंगे। एनीथिंग, इट्स नॉट ओनली गुड थिंग, है ना। कमेंट का मतलब ये नहीं कि आप अच्छे चीज़ें लिखो, बस आप फीडबैक दे देना, है ना, क्योंकि हमारी जो टीम होती है बेटा यहाँ से फीडबैक लेती है। इफ़ यू आर लाइकिंग दिस सेशन देन वी विल कंटिन्यू दिस, दे टेक फीडबैक्स ऑन ईच एंड एवरी सेशन, सो दे रीड कमेंट सेक्शन। सो डू राइट वॉट एवर यू फील, ठीक है। इफ़ यू लाइक इट जस्ट मेक अ हर्ट, दैट्स ऑल इट इज़ नीडेड, इट विल बी सो ग्रेट फॉर मी एनर्जी बूस्टअप के लिए। चलो ओके, टाटा बाय। 70 बच्चों ने ज्वाइन किया है, 71 बच्चों ने नाउ स्टार्टिंग द क्विज। क्विज 2 मिनट बाद स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। विल स्टार्ट क्विज आफ्टर 2 मिनट्स, 2 मिनट में बच्चे ज्वाइन कर लें। आपको अगेन हम दिखा दे रहे हैं क्विज कैसे ज्वाइन करना है। अगर कोई बच्चा यहाँ पे नया आया है, टेस्ट वाले सेक्शन पे जाओ, इंस्टॉल करने के बाद अनअकैडमी, इनवाइट कोड पूछेगा, निकिता लाइव लगा देना, NIKITA COL पे जाना। प्लीज डू नॉट क्लिक ऑन दिस डायरेक्ट क्विज, COL पे जाओगे तो नीचे में ज्वाइन क्विज दिखेगा, वहाँ पे क्लिक करना, देन आप कोड अप्लाई करना 467353। ओके टाटा बाय बाय, गुड नाइट, सी यू इन द क्लास 9:15 जस्ट आफ्टर 15 मिनट्स, अमेजिंग।